हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं तो हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर फोर ऑस्सियस सिस्टम ऑस्सियस मतलब जितना भी हमारा बॉडी में जो बोन्स पाए जाते हैं वो सारा सिस्टम है लेक्चर नंबर वन जिसके अंदर हमको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझना है

क्या कह रहा है अ बोन ठीक है ना बोन क्या होता है अ बोन इज एन ऑर्गन बोन क्या है एक ऑर्गन है मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज अच्छा अब यहां पर हम लोगों ने जो तो टिश्यू वाला पार्ट किया था पहले चैप्टर्स में ठीक है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन पड़ा था तो थोड़ा सा कुछ और एडिशनल बातें यहां पर उसकी ऐड हो जाएंगी टिश्यू को लेकर के तो इसीलिए सारा पार्ट काम का है एक्स्ट्रा नहीं है मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज टिश्यूज वर्किंग कई सारे का बना होता है जो एक साथ मिलकर काम करती है कौन कौन से टिश्यूज है बोन बोन को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑसियस कहते हैं बोन का ही दूसरा नाम क्या है ऑसियस क्लियर है बातें ये बात पक्का पता होनी चाहिए ऑसियस का मतलब ही क्या होता है बोन होता है बोन टिश्यू कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम एडिपोस टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ये सब मिल करके हमारे पास

स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं स्केलेटल सिस्टम एक सिस्टम है जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम उसमें क्या क्या आता है मॉनिटर आ गया यानी डेस्कटॉप आ गया माउस आ गया कीबोर्ड आ गया यूपीएस आ गया तुम्हारा सीपीयू आ गया ये मिल करके एक पूरा क्या बनता है सिस्टम बनता है तो वैसे ही जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम तो ये हमारा सिस्टम का हो या याल्ट सिस्टम का उसकी एक कहीं ना कहीं डेफिनेशन हमें मिलती है अब द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोन बोन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना या ट्रीटमेंट बोन के ट्रीटमेंट का हम डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंदर दो बातें आ गई स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर ऑस्टियो ऑस्ट्रोमीन्स बोन और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी करना है किसकी स्टडी कर रहे हैं बोन की स्टडी कर रहे हैं अब यहां पर हम लोग कुछ बातें समझेंगे एक जो लंबी बोन होती है ठीक है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझेंगे यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर बड़ा है तो छोटा कर कि बोर्ड में आ जाए हमारा ठीक है अब हमारा यहां पर है अब बात को समझना ये एक लंबी बोन है ठीक है चाहे हाथ की ले लो थाई की ले लो अब बोन्स के कुछ पार्ट होते हैं जो तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है बोन का सबसे ऊपर ये जो सॉफ्ट ये जो पार्ट है ना ये यहां से लेकर यहां तक दिखा रखा है ये ये प्रोक्सीमल ये मेटाफाइसिस ये ठीक है ना और देन मेटाफाइसिस मेटाफाइसिस आ गया ये जो नेक इसको हम कह सकते हैं ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है नेक वाला पार्ट होता है क्या होता है एक तरह से ये नेक बोल सकते हैं इसको हम लोग फिर आगे जो हेड वाला पार्ट आता है ठीक है ना ये एपिफाइसिस तो डिस्टल डिस्टल मतलब एकदम दूर का और प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल मतलब क्या होगा ये वाला जो पार्ट है ये ये इस तरफ जुड़ा होगा अगर ये हाथ की होगी तो ये वाला proximal, ये वाला वाला थाई की होगी तो तो जो हमारे हमारे से से लगा होगा, हमारे हिप से लगा होगा वो proximal होगा होगा वो ठीक है तो देखो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस सबसे ऊपर वाला पार्ट उसका नेक वाला पार्ट आ गया ठीक है और जो बीच का पार्ट है यहां से लेकर यहां से बीच वाला इसको हम क्या कर कहते हैं फिर वापस से मेटाफाइसिस जो हिस्सा बोन का जाके दूसरी जगह सेट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकुलर आर्टिकुलर मतलब कोई चीज जब किसी में जाके फंसती है आर्टिकुलेट होती है ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकुलर और ये क्या है ये चीज ये देख रहे हो ये कार्टिलेज है सबसे आगे बोन में कार्टिलेज होता है हार्डनेस नहीं होता थोड़ा सॉफ्ट टाइप का टिश्यू बोन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं अब अगर तुम बोन के ऊपर की खाल उतारो जैसे हम लोग अपने ऊपर की खाल उतारे तो जो उसकी सबसे ऊपर की खाल होती है परत जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पैरी ऑस्टियम पैरी मतलब सबसे ऊपर की ऑस्टियम ऑस्टियम के सबसे ऊपर की परत पैरी ऑस्टियम बात समझ में आ रही है अब खाल उतार देखो इतना बोन काटा हुआ है यहां पर और सबसे अंदर की जो खाल होगी ये वाली खाल जो होगी इसकी या जो परत होती है जो उतारी हुई है एंडो अंदर का ऑस्टियम का तो क्या हो गया एंड ऑस्टियम एंडो ऑस्टियम या एंड ऑस्टियम या एंड बात समझ में आई

ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जो कि हम लोग बोन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं इसे हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं ठीक है ना यहीं पे रेड बोन वगैरह रहता है हमारे पास तो कुछ बातें और जो बीच में आते हैं ये हार्ड बोन होती है काफी मजबूत होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं ये बीच में पाई जाती है अब तुम्हारे पास देखो क्वेश्चन बेटा ऐसा आ सकता है कैसा आएगा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा मैं बताता हूं जैसे कि ओके तो क्वेश्चन को समझते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारे पास सपोज मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया उसने और यहां पे वो इस तरह से कर देगा कि ए बी ठीक है ना ये क्वेश्चन की एक वैरायटी तुम्हारे पास बनती है ठीक है ये वाला पार्ट कर देगा इस तरह से सी ये क्या कर देगा सी कर देगा अब तुमसे पूछेगा कि बताओ ए बी सी क्या है इस तरह से कर देगा ये सी ठीक है ना वो पूछेगा तुमसे क्या ए बी और सी का नाम बताओ तो ये तुमको पार्ट का नाम पता होना चाहिए बात समझ में आ रही है क्लियर है क्लियर है बातें ठीक है तो ये तुम्हें जो बोन के मेन मेन पार्ट मैंने कौन से बताया फिर रिवाइज करा दूं मैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है ना जो इसका पार्ट है बोन के पार्ट को एपिफाइसिस कहते हैं सबसे ऊपर वाला प्रोक्सिमल हो गया ठीक है जो ठीक है जो नेक वाला पार्ट आ गया मेटाफाइसिस हो गया बीच वाला जो पार्ट आ गया वो डायफाइसिस हो गया क्लियर है देन उसके बाद पेरिओस्टियम एंडोस्टियम क्लियर है बातें ठीक है स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन कहा गया कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट ये रहा ठीक है मेडुलर यह बीच में आर्टरी होती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जितनी बातें मैंने यहां बताई हैं ये पक्के से तुम लोगों को करनी है फिर बता दू मैं ये वाला ये वाला ठीक है देन ये वाला मेटा मेटा हो गया ऊपर भी कवर होता है हमारे पास पैरिस्टियम एंडोस्टियम कॉम्पैक्ट बोन किया है और स्पॉन्जी बोन कहां पाई जाती है ये पार्ट पक्का पता होना चाहिए क्लियर होगी की बातें आगे आते हैं अब द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म द सेवरल बेसिक फंक्शंस अब यहां पर हमारे पास मैंने तुमको तो बताया हमारे पास हेडिंग ही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो देखो हमको यहां पर हम लोग हर एक सेपरेट सेपरेट जो बोन्स हैं उनके फंक्शन की बात करेंगे लेकिन अगर वो फंक्शन भूल जाओ इन केस तो ये कॉमन फंक्शन है बोन के ये चार पांच फंक्शन होते ही होते हैं बोन ये काम हमारी बॉडी में करता ही करता है पहला काम सपोर्ट का पहला काम क्या है इसका सपोर्ट करेगा ऑब्वियस ही बात है ये इसका मेन हमारी बॉडी में काम क्या है सपोर्टिंग का है किसका है मेन काम सपोर्टिंग का क्लियर है बोन का मेन काम हमारी बॉडी में क्या है सपोर्टिंग का है तो द स्केलेटल सर्व एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बात समझे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमारा पूरा स्ट्रक्चर सेटअप हो रखा है फॉर द बॉडी बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू जो सॉफ्ट टिश्यू है लिवर स्टमक किडनी है ना बोन ना हो

नेक्स्ट प्रोटेक्शन द दैल्टल प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है हार्ट लंग्स स्टमक किडनी लिवर किडनीस है ना इन सबको कौन बचा रहे हैं ये बचा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल क्रैनियल बोन ये तो भूली गए खोपड़ी के ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स जो ये रिब केज है हमारा वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है असिस्टेंस इन मूवमेंट ये काम भी करता है चलने में सहायक

ये ज्यादातर स्केलटल मसल बोन से जुड़ी हुई है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब पुल ऑन बोन बोन को खींचती है टू प्रोड्यूस मूवमेंट जिससे कि मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके बात समझ में आ रही है दिस फंक्शन इज इन इन डिटेल चैप्टर स्केलेटल मसल ठीक है चैप्टर टेन आएगा हमारे पास स्केलेटल मसल किस तरह से मसल्स वर्क करती है एक्टिव माओसिन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन सारी चीजें पढ़ेंगे वहां पर तो वो डिटेलिंग का पार्ट वहां चला तो जाएगा आगे आते हैं मिनरल होमियोस्टेसिस स्टोरेज एंड रिलीज यानी कि जो मिनरल्स का भंडार होता है मिनरल को अपने अंदर स्टोर करेगा और रिलीज करेगा बोन टिश्यू मेकअप अबाउट 18 परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसी की भी ह्यूमन बॉडी का अगर मान लो किसी का वजन 100 किलो है तो 18 किलो वजन उसमें किसका होने वाला है हड्डी का अठारह ठीक है ना इट स्टोर सेवरल मिनरल्स इसके अंदर मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम है फॉस्फोरस है ना हड्डियों को कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए होता है Which contribute to the strength of bone. इससे क्या होता है बोन की स्ट्रेंथ बनती है बोन टिश्यू स्टोर अबाउट नाइन ऑफ द बॉडी पूरी बॉडी का जो कैल्शियम है उसमें निन्यानवे परसेंट कैल्सियम को यह स्टोर करता, करता है अपने अंदर ऑन डिमांड जब डिमांड होती है जरूरत होती है बॉडी को बोन रिलीज करता है मिनरल इन टू द ब्लड है ना कभी हमारी बॉडी में फॉस्फोरस या कैल्शियम को एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है सेल्स के अंदर टिश्यूज के अंदर तो बोन अपने अंदर से निकालेगा फिर टू मेंटेन द क्रिटिकल मिनरल बैलेंस जैसे कि बैलेंस बना रहा है यानी कि बना एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनरल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और साथ साथ में क्या होगा मिनरल्स को बॉडी के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है ये चार फंक्शन हो गए इसके पांचवा ब्लड सेल प्रोडक्शन हम सबको पता है रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स कहां बनते हैं हमारे बोन में विद इन सर्टन बोन्स आ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रेड बोन मैरो ठीक है ना जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं वहां पे क्या होता है रेड बोन मैरो मज्जा होता है मज्जा कहते हैं इसे हम लोग बोन के अंदर भरा हुआ होता है ये जो रेड बोन मैरो होता है बोन के अंदर होता है ये प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स है ना जो अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा ब्लड uh, का कंपोजिशन उसके अंदर हम इसको डिटेल में लेंगे रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स अ प्रोसेस कॉल्ड

हमारे फीटस होता है ना बच्चा जो पेट में रहता है उसकी जो डेवलपिंग बोन्स होती है बोन्स जो बढ़ रही होती उनमें मौजूद होता है एंड इन सम बोन्स फीटस की तो सभी बो, बोन्स में मौजूद है लेकिन अडल्ट में हर जगह मौजूद नहीं होता है जैसे कि अडल्ट में ये रेड बोन मेरो ज्यादातर कहां पाए जाएंगी लॉन्ग बोन्स में ये लॉन्ग बोन्स थाई वाली बोन्स हाथ वाली लंबी लंबी बोन्स हैं केवल वहीं पाए जाएंगे रेड बोन लेकिन डेवलपिंग फीटस में हर जगह होता है सच एज अच्छा एडल्ट में कहा है Hip या पेल्विक बोन हो गई रिप्स हो गया स्टर्नम हो गया जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं वर्टी ब्रे बैक बोन स्कल एंड एंड ऑफ दूम आर्म बोन एंड बोन इन सब जगहों जाएगा अब तुम कहोगे ये जो पार्ट है यहां नहीं मिलेगा ठीक है ना बात समझ में आ रही है इन न्यू बोर्न ऑल बोन मैरो इज रेड इंपॉर्टेंट जो नए बोन नए बच्चे होते हैं उनके अंदर तो सारा का सारा बोन मैरो कैसा होता है रेड बोन मैरो होता है इज इन in और सब, सब खून बना रहे होते हैं विद इंक्रीजिंग एज जैसे जैसे एज बढ़ती है मच ऑफ द बोन मैरो काफी ज्यादा जो बोन मैरो होता है वो बदल जाता है रेड टू येलो बोन मैरो में येलो क्या होता है देखेंगे अभी येलो एक तरह से फैट का फैट को रिलेटेड होता है फैट से रिलेटेड तो शुरुआत में सारा का सारा रेड होता है बोन मेरा दो टाइप के होते हैं रेड और येलो शुरुआत में सारा का सारा रेड बोन मेरो होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है काफी ज्यादा रेड बोन मेरो बदल जाता है येलो बदल जाएगा क्लियर है तो ये जो पांच फंक्शन है ये तुम किसी के भी बोन के फंक्शन में लिख सकते हो अब इनमें तो लिख ही सकते हो और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ये वाली बोन्स आती हैं अगर ठीक है तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ना तो ये पांच फंक्शन तुम किसी में भी लिख सकते हो कॉमन है याद कर लेना या एक कॉमन क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन तो ये पांच पॉइंट लिखने लिखने हैं क्लियर है बातें आगे आते हैं

अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं जरूरत पड़ने पे एनर्जी सोर्स की तरह काम करेंगे खत्म और उसको रिवाइज कर लें और याद है तो आगे बढ़ जाए ठीक है यहां पर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा टाइप्स ऑफ बोन्स में कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन्स हम लोग कहां पढ़ चुके हैं चैप्टर थर्ड में टिश्यू के अंदर क्लियर है नाउ टाइप्स ऑफ सेल इन बोन टिश्यूज टाइप्स ऑफ सेल्स इन बोन टिश्यूज ठीक है देखते हैं कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं बोन टिश्यू के अंदर ठीक है तो चार टाइप के सेल पाए जाते हैं फोर टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन टिश्यूज है ना चार टाइप के सेल पाए जाते हैं कौन कौन से हैं ऑस्ट्रियोप्रोजिनेटर सेल्स यानी कि हमारी हड्डी के अंदर चार टाइप के सेल पाए जाते हैं ऑस्टियोप्रोजिनेटर, प्रोजिनेटर कहीं ना कहीं ऑस्टियो यानी कि सेल को बनाने वाले हड्डी के सेल को बनाने ये मेन सेल नहीं है ये जनरेट करने वाले हो गए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स चार टाइप के सेल हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं बिल्कुल याद रखेंगे अगेन इंपॉर्टेंट ऑस्टियोप्रोजिनेटर दे आर अनस्पेशलाइज बोन स्टेम सेल्स है ना जैसे कि देखा होगा हमारा जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जब बच्चा और जायगोट होता है ठीक है जायगोट से क्या बनता है थ्री लेयर्स बनती हैं याद है एम्ब्रियोनिक लेयर है ना ये जायगोट जायगोट के बाद क्या बनता है ये एम्ब्रियोनिक लेयर अब जो एम्ब्रियो ये लेयर होती है किससे बनी हुई है सेल से बनी हुई है किससे बनी हुई है सेल से बनी हुई है ये सेल कैसी होती है अनस्पेश होती है इनका कोई खास फंक्शन नहीं है अब ये सेल आगे डिवाइड होकर के एक सेल आई बन जाएगीलाइज बोन स्टेम सेल्स हैं, यानी बोन को जनरेट बोन के अंदर जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं वो यही बनाएंगी डराइव फ्रॉम मिजनकाइम द टिश्यू फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टेड टिश्यू आर फॉर्म है ना मिजनकाइम कहां से ड्राइव होता है मेजिन कायम से ड्राइव होता है ये द टिश्यू ये वो टिश्यू है जहां से सारे के सारे कनेक्टेड टिश्यू क्या होते हैं फॉर्मड होते हैं क्लियर मेजन काम भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे वहां पर ज्यादा अब आगे आते हैं दे आर द ओनली बोन सेल टू अंडर गो सेल डिविजन वेरी इंपॉर्टेंट पूरे चारों में से केवल यही एक ऐसा बोन है जो सेल डिवीजन कर सकता है यानी कि डिवाइड हो सकता है क्योंकि डिवीजन भी जरूरी है ना हड्डी वगैरह टूट जाती है फ्रैक्चर होता है तो डिवाइड होकर के वापस से बनाना है ना नए सेल्स तो वो काम केवल कौन करेगा ऑस्ट्रियोप्रोजिनेटर करेगा द रिजल्टिंग सेल्स डेवलप इन टू ऑस्ट्रस्ट अब जब डिवाइड होने के बाद ये एक सेल था डिवाइड हो गए दो में अब जो जो डिवाइड होने रिजल्टिंग सेल सेल बने हैं ये cell किस में बदल जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाते हैं अब ऑस्ट्रोप्रोजिनेटर सेल्स आर फाउंड अलोंग द इनर पोर्शन ऑफ द पेरी ऑस्टियम देखो वर्ड आ गया पेरी ऑस्टियम पेरी ऑस्टियम के अंदर वाले साइड में पाए जाते हैं इन द एंडोस्टियम अलोंग द कहां कहां पाए जा रहे हैं अलोंग द इनर साइड ऑफ पेरियम पेरियो के अंदर की तरफ इन द द द एंडोस्टियम एंडोस्टियम के अंदर इन इन विद विद इन बोन दैट कंटेन ब्लड वेसल और कैनाल में पाए जाएंगे जिसके अंदर ब्लड वेसल पाई, तो, पाई जाती हैं तो ऑस्टियोपोजिनेटर सेल्स कहां कहा पाई जाती है उनकी लोकेशन दे दी है अब ये पेरियस्टियम एंडोस्टियम कैनाल ये सारे वर्डिंग हमने जो डायग्राम था वहां पे समझे थे अभी डायग्राम नहीं समझ में आया तो वापस को पॉज करो वापस डायग्राम देखो उसको ठीक है ना आगे आते हैं ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल ने क्या बना के दिया हमको ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बर्ड्स और स्प्राउट्स है ना कोई चीज जो आगे जाकर के पूरे पेड़ में बदल जाती है तो बर्ड्स और स्प्राउट्स कहते हैं दे आर बोन बिल्डिंग सेल्स ये क्या है बोन यानी कि बोन को बनाने वाले सेल्स हैं ये दे सिंथेसाइज एंड सीक्रीट कॉलिगन फाइबर्स याद रखेंगे क्या सिक्रीट करती हैं क्या छोड़ती है अपने अंदर से कॉलिगन फाइबर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के बाहर का मैट्रिक्स होता है तो हो ये, ये पार्टी मेन सेल हो गया इसके बाहर यह सारा मैट्रिक्स है ना ये आगे जाके जम जाएगा तो क्या बन जाएगा सॉलिड बोन बन जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूर मैट्रिक ऑफ बोन टिश्यू एंड दे इनिशियट कैल्सिफिकेशन अब इनके अंदर कैल्सियम आगे डिपॉजिट होने लगता है हो, और कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है

ये क्या था ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ने अपने आसपास क्या छोड़ लिया एक्स्ट्रा सेल्युलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स छोड़ दिया अब ये एक्स्ट्रा सेलूलर मैट्रिक्स प्लस ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल पूरा कंबाइंड बन के क्या बन गया ये ऑस्टियोसाइट। क्या बने जाकर के ये ऑस्टियोसाइट यही होता है मेन सेल दिस इज द नाउ ऑस्टियोसाइट

क्या बना ऑस्ट्रोब्लास्ट ऑस्ट्रोब्लास्ट ने अपने ऊपर आजू बाजू एक्स्ट्रा सेलर फिल्रिएट कर लिया अब ये पूरा क्या बन गया ऑस्टियोसाइट मेन सेल बन गया ठीक है ऑस्टियोसाइट मतलब सेल दे आर मैच्योर बोन सेल्स यही है मैच्योर बोन सेल्स जो सारे काम करेंगे बोन के एंड मेन सेल्स इन बोन टिश्यू एंड मेंटेन इट्स डेली मेटाबॉलिज्म सच एज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिय वेस्ट विद द ब्लड यानी कि मेन जो सेल ब्लड मेन जो बोन के अंदर काम करने वाले सेल्स हैं वो कौन से हैं ऑस्टियोसाइट्स हैं ठीक है आ, फ्लो फ्लो में ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ठीक है तो ऑस्टियोसाइट जो है ये मेन सेल्स हैं अब ये सारा काम देखभाल करते हैं पूरे सेल की मेटाबॉलिज्म करना वेस्ट को बाहर निकालना न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्ब करवाना करुण डेवलपमेंट जो भी कुछ आगे काम करने वो सब काम करना ठीक है तो याद रहेगा मेन सेल्स ऑस्टियोसाइट ओके लाइक ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन ध्यान रखना ऑस्टियोब्लास्ट सॉरी ऑस्टियोसाइट सेल डिवीजन नहीं करते हैं, केवल केवल ऑस्टियोब्लास्ट करेंगे नोट द एंडिंग साइट इन द नेम ऑफ बोन सेल और एनी अदर टिश्यू सेल मीन डेट द सेल मेंटेन एंड मॉनिटर द टिश्यू साइट जब लग जाता है तो इसका मतलब ये वो है जो सेल को मेंटेन किए हुए स्ट्रक्चर को और मॉनिटर करके रखा हुआ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस चीजों को याद रखने के लिए कि इनकेस का भी क्वेश्चन कोई फंस जाता है साइट वर्ड का मतलब क्या है का मतलब क्या है ऑस्टियोसाइट हो गया अब आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट तो क्लास्ट से एक वर्ड तुम लोगों को बता दू मैं क्लास्ट मतलब होता है ब्रेक यानी कि बोन को तोड़ने का काम करेगा बोन क्यों तोड़ना है फिर तो बेकार हो मामला बताता हूं मैं अभी ठीक है अभी है क्या चीज ऑस्टियोक्लास्ट दे आर ह्यूज सेल डाइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एज मैनी एज फिफ्टी मोनोसाइट मोनोसाइट्स पता है ना क्या होते हैं एक तरह के डब्ल्यू होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि ये खाने पीने का काम का का करेंगे चीजों को जो खराब हो जाते हैं उनको मार मूर के अलग कर दो तो ऑस्टियोक्लास्ट किसके बने हुए हैं कम से कम पचास मोनोसाइट होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट आ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ये एक टाइप का ब्लड सेल होते हैं कौन मोनोसाइट क्या है एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है एंड आर कंसेंट्रेटेड इन द एंडस्टियम ये कहां पे कंसनट्रेटेड होकर रहते हैं कहां पे इकट्ठे होकर रहते हैं एंड uh, ऑस्टियम में ऑन द साइड ऑफ द सेल सेल के साइड में डेट फेस इज द बोन सरफेस जो बोन के सर्फेस को फेस कर रहा है सेल रिलीज ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है ठीक है ऑस्टियोक्लास्ट सेल ऐसे मान लो कि मान लो ये बोन है और ये ऐसे करके बन गया ऑस्टियोक्लास्ट तो ये जो पार्ट है जो दिस इज द बोन तो बोन के सरफेस की तरफ जो पार्ट होता है इस सेल का ऑस्टियोक्लास्ट का ऑस्टिग्लास्ट का ये वाला फेस जो बोन को टच कर रहा है ऑन द साइड ऑफ द सेल दट फेस इज द बोन सर्फेस सेल का वो पार्ट जो बोन सर्फेस को फेस कर रहा है सेल रिलीज पावरफुल लाइसोजाइमल एंजाइम ये जो सेल है ये क्या रिलीज करता है यहां पर एंजाइम्स रिलीज करेगा क्या रिलीज करेगा इंजाइम रिलीज करेगा एंड एसिड डेट डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड मिनरल कंपोनेंट ऑफ द अंडरलाइंग एक्स्ट्रा सेल बोन मैट्रिक्स वो बोन का मैट्रिक्स होता है यहां पर उसको ये एंजाइम क्या करते हैं खाते हैं पीते हैं और हजम कर जाते हैं जब जरूरत होगी तब ऐसा होता है ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा जब जैसे ना चीजें जो बेकार होती रहती सेल बॉडी से उनको हटाना होता है ना ठीक है दिस ब्रेक डाउन ऑफ बोन एक्स्ट्रा सेल और मैट्रिक्स टर्म डे बोन रिजॉर्पन बोन का रिजॉर्पन वापस से बोन जो बनी है उसका रीअब्सॉर्व हो रहा है इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ये नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है ना बो, बोन के पार्ट को हटाना नहीं बोन का बनना ये नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बोन है ना बोन कुछ टूट फूट गई है नए सेल बने गलत लग गए उनको खापी के अलग करना है तो वो सारा काम कौन कर रहा है ये मतलब तोड़ने का काम ऑस्टियोक्लास्ट कुछ गलती हो गई है बोन में तो उसको खापी के अलग करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट क्लियर बाते है बातें अब यहां पर मैंने क्या कर दिया है कि थोड़ा सा ये कर दिया है स्ट्रक्चर दिखाए हैं ऑस्ट्रोप्रोजिनेटर को इस टाइप के होते हैं डेवलप इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट इससे क्या बनते हैं ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं फॉर्म्स बोन एक्स्ट्रा सेलोलर मैट्रिक्स अब देखो ये और बीच में आगे बन के तैयार हो गया तो ये क्या बना ऑस्टियोसाइट मेंटेन बोन टिश्यू और ये ये एक साथ हो गए अब ये अलग में फ्रॉम वाइट ब्लड सेल लाइनेज लाइनेज मतलब एक के साथ एक लाइन हो जुड़ जाना ठीक है ना ये रफल्ड बॉर्डर होता है यही वाला जो बॉर्डर होता है ये बोन की तरफ जुड़ा रहता है जो बोन होती है ना ये मान लो बोन है ये तो बोन साइड में रफल्ड बॉर्डर होता है बोन की तरफ जुड़ा रहता है ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन एज

डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन शेप शेप के आधार पर लॉन्ग शॉर्ट फ्लैट इेगुलर एंड तो हम देख सकते हैं यहां पर फटाफट वाला डायग्राम में समझ लें लंबी लंबी बोन्स जैसे कि हाथ की है पैरों की है ये लॉन्ग बोन्स में आती हैं हाथ वाले को क्या कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है लंबी बोनों को लॉन्ग बोन्स बोन्स एरी उसमें एक एरी ह्यूमरस एक एरी रेडियस अलना ठीक है फिर एक एरी फिर एक टीबी फिब्यूला एरी यही ये है लॉन्ग बोन्स तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बोन ये ये तो चपटी बोन है ये कहां पाई जाती है छाती के आगे होती है इसे स्टर्नम कहते हैं फिर उसके बाद बात करें इरेगुलर बोन ये वर्टिब्रा ये जो हमारी वर्टिब्रेड डिस्क होती है ये इरेगुलर है कोई शेप नहीं है आगे गोल है पीछे लंबी लंबी कुबड़ी से निकली हुई है फिर है शॉर्ट बोन ट्रेपेजॉइड रिस्ट बोन जो हमारे यहां पर जो हम कलाइया घुमाते हैं ना अभी देखेंगे यहाँ पे सात आठ आठ तरह की बोन्स पाई जाती हैं ऐसी चपटी चपटी सी स्क्वायर शेप की क्यूबर्ड शेप की पटेला जो घुटने के आगे रहता है ठीक है जो घुटने के आगे रहता है ठीक है जिसे हम कहते हैं सिस्मॉइड बोन पटेला सिस्मॉइड क्यों कहा गया है इसका जो शेप है एक बीज होता है सीसेम सीसेम बीज कुछ ऐसा होता है हल्का सा नीचे चोंच निकली हुई रहती है तो इसीलिए का नाम क्या पड़ गया सिस्मॉइड बोन ठीक है तो मोटा मोटा एक दो तीन चार पांच पांच तरह की बोन है लॉन्ग फिर क्या आ आगे ट्रेपेजॉइड शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर तो नाम याद रखेंगे इसको ओके okay, तो लॉन्ग बोन की बात कर लें, दे हैव ग्रेटर लेंथ देन विथ चौड़ाई से ज्यादा इनकी लंबाई होती है ग्रेटर लेंथ देन विथ कंसिस्ट ऑफ ए शफ्ट शफ्ट होता है मेन ये जो तो बीच का पार्ट होता है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं शफ्ट कहते हैं So, हम लोग क्या कहते हैं शफ्ट जैसे कि उस चीज को पकड़ने के लिए बीच में जगह हो और यहां पर जगह हो तो बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, कहलाता है. और, ये, ये. ये और क्लियर करेंगे जो किनारे के पार्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं एपिफाइसिस कहते हैं यानी कि एंड एंड आर स्लाइटली कर्व फॉर स्ट्रेंथ हल्की सी कई बार कर्व रहती है झुकी हुई रहती है जिससे क्या हो सपोर्ट मिल सके अच्छे से नाउ शॉर्ट बोन की बात करें अगर हम लोग किसकी बात करें शॉर्ट बोन की बात करते हैं आगे आते हैं शॉर्ट बोन की बात करें तो दे आर समवट क्यूब शेप कैसे होते हैं ये क्यूब शेप के होते हैं एंड आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड है ना चारों तरफ से बराबर होता है तभी तो क्यूब बनेगा फ्लैट बोन वाली फ्लैट बोन दे आर जनरली थिन पतली होती हैं एंड कंपोस्ट ऑफ टू नियरली पैरल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू पैरल प्लेट देख रहे हो ये दो पैरल प्लेट एकदम पैरल प्लेट ऐसी ऐसी आ रही है साइड में आ रही है तो क्या है पैरल प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन बोनो पाई जाती है इरेगुलर बोन दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप इन टू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी ऊपर की तीन कैटेगरी उनमें से कहीं पे भी इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इेगुलर है दे वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट इनके अंदर जो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन होता है अलग अलग मात्रा में पाया जाता है बोन शेप लाइक मैंने बताया अभी कुछ इस तरह दिखता है तो याली जो पटेला का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है डेवलप इन सर्टन टेंडेंस ये कुछ टेंडेंस में डेवलप हो जाती है होती है वेयर देयर इज कंसिडरेबल फ्रिक्शन ये कौन से टेंडेंस में जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है ना हम लोग नी तो बार बार फोल्ड होती रहती है झुकते हैं बैठते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है यहां पर जहां टेंशन बहुत ज्यादा होता है यानी कि फोर्स की बार बार जरूरत पड़ती है फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ऑब्वियसली बात है घुटने में दिन भर उठने बैठने पालथी मारना दिन भर हम काम करते हैं सच एज द पाम्स हमारा हाथ एंड सोल्स और जो हमारी सोल है पंजे हैं पैर के वहां पर ये स्पेसली पाए जाते हैं क्लियर है तो ये हो गया हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ बोन्स क्लियर अब आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन बहुत जरूरी है इसको बहुत दिमाग से ध्यान से समझेंगे इसको हम लोग आओ देखते हैं स्कल हमारा जो सर है एक्चुअली ये सर ऊपर है ये सामने फेस है तो दो पार्ट होते हैं हमारी गर्दन के ऊपर जो दो पार्ट है स्कल ठीक है स्कल के अंदर दो, दो पार्ट आ गए क्रैनियल पोर्शन प्लस फेसियल पोर्शन बात समझ में आई क्रैनियल पोर्शन और फेस का पोर्शन दोनों हमारे ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है फिर पैक्टोरल यानी कि शोल्डर गर्डल यहां पर पूरा ज्वाइंट का सिस्टम होता है ये ठीक है ना देन स्कैपुला क्लाइविकल हो गया ये जो बोन होती है ना यहाँ पे जो बोन पाई जाती है जिसको कई बार ब्यूटी बोन भी कह देते हैं हम लोग ये हड्डी होती है यहां पर ठीक है ये क्लाइविकल होता है स्कैपुला ये जो पीछे पीठ पाया जाता है ट्राइंगल से दिखता है कई बार जिसको हम लोग लो हिंदी में बखौरा भी कह देते हैं बखे कह देते हैं पीछे निकलते हैं उसे स्कैपुला कहते हैं देन थॉरेक्स पूरा गर्दन यहां से लेके यहां तक का पार्ट पेट नहीं पेट के ऊपर जहां तक चेस्ट जा रहा है इसको पूरा क्या कहते हैं हम लोग थॉरेक्स कहते हैं यानी कि मैं तुमसे बोल दूं तो यहां से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा क्या है ये थॉरक्स कहलाएगा इसके अंदर कौन कौन आ गया स्टर्नम और रिप्स स्टर्नम ये आगे वाला पार्ट ठीक है जिसमें आगे रिप्स जुड़ती हैं और रिप्स यानी कि जो हमारी पसलियां हैं रिप्स बोन है वो तो है ही है फिर फ्री अपर लिम्स ऊपर लिम्स मतलब होते हैं हाथ पैर अपर लिम्स बोल देंगे तो ऊपर के लिम्स ठीक है इसमें ह्यूमरस ऊपर की हड्डी जो होती है ये ह्यूमरस है ठीक है अंदर की तरफ अल्ना होती है बाहर की तरफ ये रेडियस होती है क्लियर है अल्ना और रेडियस फिर ये रिस्ट वाली बात आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं कार्पल्स रिस्ट के आगे फिर ये उंगलियों आने से पहले एक ये दो ये तीन और ये चार ये पांच जो लगी हुई है बोन्स इसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स कार्पल के आगे मेटाकार्पल ठीक है फिर ये छोट छोटी छोटी हड्डियां जो आ गई हैं ये ये देख पा रहे हो ये हड्डियां जो है ये इनको हम कहते हैं फेलेंजेस इनको हम लोग क्या कहते हैं फेलेंजेस बोल देते हैं बात समझ में आई ये जो पीछे चला आ रहा है ये ये है हमारे पास वर्टिबल कॉलम और ये वाला पार्ट है जो कमर वाला जब कमर की हड्डी पाई जाती है ये वाला पार्ट ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल कहते हैं क्लियर है बते हैं ओके आगे आते हैं अब देखो नीचे आ जाएंगे तो जो थाई बोन है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं फीमर ये इसके आगे क्या लगा हुआ है ये पटेला उसके नीचे के पैर के जो दो हड्डियां आती हैं उसमें इधर बाहर की तरफ फिब्यूला होता है और अंदर की तरफ क्या होता है टिबिया होता है दो हड्डियां टिबिया फिब्यूला फिर इसमें वही ऊपर कार्पल था यहां पर जो हड्डियां पाई जाती है जिसमें हम पैरों पैरों को ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना पैर को नचा सकते हैं वो टार्सल्स होती हैं पैर में भी उसके आगे फिर इस टाइप की जो हड्डियां निकली रहती हैं पैर के पंजे में उसे हम मेडा टार्सल्स कहते हैं और पैर की जो उंगलियों के ये होते हैं छोटे छोटे उसको हम लोग क्या कहते हैं फेलेंजेस कहते हैं क्लियर है ये एंटीरियर व्यू है ये पोस्टीरियर व्यू है बात समझ में आ रही होगी ये तो ये हड्डियां तो तुमको याद करनी पड़ेंगी ठीक है एक छोटा व्यू लेते हैं स्कल आ गया सामने रिब्स आ गई स्टर्नम आ गया ये क्या आ गया ये अपना क्या है ओके दिस इज ह्यूमरस ये क्या है ह्यूमरस है रेडियसल ना कार्पस मेटाकार्पस ये फेलेंजेस आ गई ठीक है देन हिप बोन्स है हिप बोन के नीचे अपना ये आ गया फीमर आ गया फीमर के नीचे पटेला उसके नीचे टीबिया फिब्यूला फिर टारसेल और फेलेंजेस आ फेलेंजिस अगेन तो एक बार थोड़ा सा देख लो इसको और और अच्छे से इसको शॉर्ट में देखें तो अब देखो यहां पे बात अब अच्छा हाँ एक चीज बता दो मैं देखो यहां पे तुमको एक चीज दिख रहा होगा बीच वाला पार्ट ब्लू हो रखा है साइड वाला पार्ट व्हाइट है तो जो बीच का पार्ट है बॉडी के स्ट्रेट में ये बॉडी की क्या है एक तरह से देखा जाए तो ये बॉडी की एक्सिस है ये बॉडी की क्या है एक्सिस है और ये साइड है ठीक है तो जो एक्सिस में बोन पाई जाएंगी उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और जो साइड साइड में बोन पाई जाएंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं अपेंडिकुलर तो तो स्केलेटन बात बात समझ में आई तो देखो बस वही है यहां पर ये यह क्या कह रहा है एक्सियल स्केलेटन में ये ब्लू वाला पार्ट और अपेंडिकुलर में साइड वाला पार्ट आ गया साइड में ब्लू वाला पार्ट कर दिया आप कौन कौन आ गया स्कल है ना स्कल में कौन कौन है क्रेनियम अभी हम देखेंगे क्रेनियम कितनी बोन्स होती हैं आठ फेस के अंदर कितनी बोन पाई जाती है चौदह काउंट करते हैं ना सर में कितनी होती है आठ दिखाऊंगा अभी मैं फेस में कितनी होती है चौदह होती है फिर एक हाइड बोन होती है यहां पाई जाती है ये ठीक है ना ये एक हो गई देन ऑरिटरी ऑसिकल जो हमारे कान कान जो होता है उसके अंदर तीन हड्डियां पाई जाती हैं तीन इधर तीन इधर तो छह हो गई वर्टिप्रल कॉलम टोटल छब्बीस होते हैं वर्टिप्रल कॉलम काउंट करके दिखाऊंगा मैं तुम तो लोगों का अभी ये जो वर्टिप्रल कॉलम थे ये काउंट करके दिखाऊंगा अभी ये कितने हैं छब्बीस देन थोरक्स की बात करें चेस्ट वाला पार्ट करें तो इस टर्नाम एक ये बीच वाला पार्ट और हड्डियां कितनी होती हैं है ना ट्वेल्व पेयर ऑफ रिप्स रिप्स के कितने पेयर होते हैं बारह पेयर तो चौबीस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह इधर बारह इधर तो कितनी होती है यार चौबीस काउंट करोगे तो कितना आ गया अस्सी पॉज करके फटाफट एक बार दिशा दोहरा लो ठीक है चलो आगे पॉज कर लिया दोहरा लिया ओके अब अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या आएगा पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल मतलब शोल्डर। तो एक दो क्लैविकल दो हो गए स्कैपुला पीछे वाला बखौरे दो हो गए अब अपर लिम्स की बात करें ह्यूमरस एक हो गया रेडियस अलना इधर भी है इधर भी यानी कि दो दो हो गए दो और दो अच्छा ह्यूमरस एक इधर एक इधर तो ये भी दो हो गए कार्पल्स ये रिस्ट बोन होती है दो हाथ हैं एक में आठ पाए जाते हैं दोनों में सोलह हो गए मेटाकार्पल्स पांच हो गए एक दो तीन चार पांच दोनों हाथ के मिला के दस हो गई ये काउंट करोगे अगर तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह अट्ठाइस तो ये अट्ठाइस क्लियर है बातें काउंट कर सकते हो यानी कि कहीं ना कहीं अगर तुम गौर से देखोगे तो हमारा अगर एक हाथ की बात करूं मैं तो देखो जरा एक ठीक है ये क्या आ गया ह्यूमरस दो रेडियस अलना फिर आठ दो और एक और दो तीन आठ तीन ग्यारह ग्यारह और पांच कितना हो गया ये सोलह सोलह और आ, ये कितनी है अपने पास चौदह सोलह और चौदह तीस एक हाथ में हमारी तीस हड्डियां पाई जाती हैं एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं तीस हड्डियां होती हैं ठीक है टोटल कर लेंगे इस हाथ के हिसाब से मिला के टोटल साठ हड्डियां हो जाती हैं खैर आगे आते हैं पैलवी गर्डल यानी कि अब हिप पे आ जाते हैं ठीक है यहां पे हिप पैल्विक या कॉक्सल बोन ये पूरी बोन क्या होती है ठीक है मतलब एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा तो कितनी हो गई दो हो गई लोअर लिम्स की बात करें ये क्या है फीमर एक और दो तो दो फीमर हो गए पटेला एक दो पटेला दो हो गए टिबिया टिबिया फिब्यूला फिब्यूला दो दो हो गए टार सेल्स अब जो पैर जिस पे हम घुमाते हैं ऊपर से आठ आठ सोलह ये कितने होते हैं सात और सात चौदह सात इधर सात इधर चौदाह मेटाटार्स इसके आगे जो ये हड्डियां निकली यहां से लेकर यहां तक एक दो तीन चार तो पांच और पांच दस और जैसे फेलेंजेस ऊपर अट्ठाइस थी नीचे भी फेलेंजेस कितनी है अट्ठाइस है पूरा जोड़ दोगे तो कितनी निकलेंगी एक सौ छब्बीस ठीक है और अस्सी इधर है दोनों जोड़ दोगे एक सौ छब्बीस और अस्सी कितनी हो गई दो सौ हो गई क्लियर है ये बात समझ में आई है फटाफट पॉज करें इसको और फटाफट से एक बार इसको क्या करें रिवाइज करें दोहराएं फटाफट कर लिया रिवाइज चले आगे ठीक है मेरे ख्याल से अब सारी हड्डियां समझ में आ गई होंगी ठीक है ना कि कौन सी हड्डी कितनी है एक्सियल और अपेंडिकुलर का मतलब क्या है ये बात भी क्लियर हो गई होगी एक्सियल मतलब हमारे जो बीच में हड्डियां पाई जाती है अपेंडिकुलर मतलब जो साइड में है ठीक है तो ये याद कर लेना नंबर एक्सीएल में कितनी अस्सी हैलर में कितनी है एक नेक्स्ट अब कुछ टर्मनोलॉजी बेटा जो यहां पे भी काम आएंगी जब ब्रेन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएंगी ठीक है तो थोड़ी सी टर्मोलॉजी देखते हैं थोड़ा बड़ा करता हूं मैं शायद दिख रहा होगा अभी ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग देखो जरा सबसे पहले टर्म आएगा तुम्हारे पास जैसे कि डिप्रेशन डिप्रेशन मतलब होता है जहां पर छोटे छोटे गड्ढे टाइप के मिलेंगे तुम्हें है ना हड्डियों में कई सारे गड्ढे से मिलते हैं तो उनके नाम दे रखे हैं ओपनिंग कई सारे छेद मिलेंगे हड्डियों के अंदर ठीक है तो फिशर अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है फिशर तो इसका मतलब होता है नैरो स्लिट बहुत ही पतला सा कट जैसे कि मान लो मैं ऐसे उंगलियां करूं तो उंगलियों के बीच में जो गैप दिख रहा है ये ये स्लिट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा स्लिट ये गैप देख पा रहे हो मेरे ख्याल से ये ये ये, ये गैप देख पा रहे हो मान लो यही गैप देख लो तो ये पतला पतला गैप होते हैं हड्डियों के बीच में उनको हम लोग क्या कहते हैं फिशर कहते हैं तो स्लिट नैरो स्लिट बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बोन्स बोन के जो आज वाले पार्ट होते हैं उनके बीच में गैप होता है उसे तो स्लिट कहते हैं थ्रू विच ब्लड वैसल और नर्व पास इनके बीच में से क्या निकलती है नर्व निकलती है ब्लड वैसल निकलते हैं फोरामैन वर्ड बहुत आएगा एक इसका मतलब क्या होता है होल प्लूरल क्या है फोरामिनिया ठीक है फोरामिना ओपनिंग थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व्स और लिगामेंट्स पास ठीक है

फरो है ना फरो मतलब कह सकते हैं जैसे कि ये देख रहे हो उंगलियां तो इसके बीच में ये आया फरो एक फिर यहां के बाद ये आया फरो एक तो ये जो बीच के जो गड्ढे देख रहे हो ये ये दो उंगलियों के बीच के या फिर यूं कहूं उंगली फिर ये गड्ढा फिर गड्ढा फिर गड्ढा ये जो देख रहे हो ये ये क्या कहलाते हैं फरो कहलाते हैं इस टाइप के जो गड्ढे आते हैं तो आ, ओके तो सल्कस क्या है फरो अलोंग बोन सरफेस पूरी बोन के अलोंग इस तरह से मान लो पूरी बोन है बीच में सलकस ये पाया जा रहा है डेट अकोमोडेट ब्लड वेसल्स नर्व और टेंडन जब रियल में देखोगे कार्ड के अंदर तो इनके अंदर क्या पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी ठीक है नर्व हो हो सकती है, टेंडन हो सकती है है टेंडन फिर एक वर्ड आएगा मीटस मीटर रास्ता ट्यूब लाइक -like ओपनिंग पतली से ट्यूब की तरह एक छोटी सी ओपनिंग होती है रास्ता होता है एक्चुअली ये अब कुछ और बात करें वो था गड्ढों की बात अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की आउटग्रोथ कोई चीज बाहर की तरफ निकली हुई है ठीक है तो सबसे पहले आता है प्रोसेस डेट फॉर्म ज्वाइंट कॉन्डाइल लार्ज बड़े बड़े राउंड पर राउंड जो उभार होते हैं है मान लो ये हड्डी है नॉर्मल एक बड़ा सा ये निकला हुआ इस से. तो यह सब क्या कहलाएंगे कॉन्डाइल कहलाएंगे राउंड परटिव विद स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेस इनका सर्फेस होगा यह कैसा रहता है स्मूथ रहता है जिससे कि आर्टिकुलर कहीं अगली जाकर के ये जुड़ सके कॉन्डाइल हो गया फेसेट ट होते हैं स्मूथ फ्लैट स्लाइटली कॉन्केव और कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ये जो है ना ये फेस जहां जहा जा अगले वाले पार्ट से जुड़ेगा ये जो फेस होता है जहां पे जाकर अगले पार्ट से जुड़ेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं फेसेट कहते हैं फिर आता है हेड हेड क्या हो गया अब जैसे ये वाला पार्ट को हम लोग हेड बोल देते हैं उसके नीचे वाले पार्ट को नेक बोल देते हैं ठीक है यूजली राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन आर्टिकुलेट करने के लिए जुड़ने के लिए प्रोजेक्शन होता है सपोर्टेड ऑन नेक उसके नीचे क्या रहेगा ये नेक रहता है उसके ऊपर ये सपोर्ट हो रखा होता है ंस्ट्रिक्टेड पोर्सन ऑफ बोन नेक क्या होता है एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा करूंगा तो ये ऐसे करके जब ऐसे इस टाइप से रहेगा तो ये पतला होता है पोर्सन बीच में तो कंस्ट्रिक्टेड पोर्सन ऑन नेक फिर आगे आते हैं process form attachment point for tissue. प्रोसेस डेट फॉर्म अटैचमेंट पॉइंट फॉर कनेक्टेड टिश्यू ऐसी प्रोसेस देखो यहां वर्ड लिखा हुआ प्रोसेस प्रोसेस क्या होते हैं एक तरह से उभार रहेंगे ये भी एक खांचे टाइप के अलग उभार के लो, जहां पर अटैचमेंट होते हैं कनेक्टेड टिश्यू के जैसे क्रेस्ट प्रोमिनेंट रिज रिज मतलब होता है जैसे खेतों में मेड़ बनती है ना वैसे हल्का हल्का उभार रहता है एक प्रोमिनेंट मतलब अच्छे खासे उभार होता है रिज और इलांगेटेड प्रोजेक्शन एक लंबा लंबा सा जैसे कि मान लो ये प्लेन है ना जैसे कि ये प्लेन जा रहा है तो उसके ऊपर मान लो ये एक उभार आ गया तो ये क्या कहेगा क्रेस्ट कहलाएगा ऊपर कॉन्डाइल था ये एपी कॉन्डाइल अब कॉन्डाइल के ऊपर टिपिकली रफ एंड प्रोजेक्शन अबव कॉन्डाइल कॉन्डाइल के ऊपर लाइन अलोंग बॉर्डर लेस प्रोमिनेंट देन क्रेस्ट ठीक है ना क्रेस्ट से कम होता है एक एक नैरो रिज ये भी एक पतला होता है है ठीक स्पाइनस प्रोसेस शार्प स्लेंडर प्रोजेक्शन पतला सा बहुत ही महीन होगा तीखा सा स्पलेंडर झुकावदार होगा और उभार होगा ट्रोकेंटर वेरी लार्ज प्रोजेक्शन कोई बहुत बड़ा अलग सा पार्ट निकला हुआ है जैसे ये बहुत बड़ा उभार है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे ट्रोकेंटर बोल देंगे ट्यूबरकल Size rounded projection, अलग अलग साइज के निकले हुए उभारों को हम टी वे तो कुछ नाम अब आगे आते जाएंगे इनको तुमको क्या करना अब जब आगे आते जाएंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे या इनको लिख लो साइड में इनका स्क्रीन शॉट लेकर रख लो जब जब ये वर्ड आएंगे फटाक से इनको देखना कि इसका मतलब क्या है क्लियर है तो अब हम लोग इसको वापस साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं बड़ा हो गया साइज ओके अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट थे फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो पॉज कर लो वीडियो एक्सियल स्केलेटन की बात शुरू हो रही है सबसे पहले कहां से आ रहे हैं हम लोग स्कल सबसे पहले कहा रहे हैं स्कल यानी कि क्रेनियम प्लस फेस खोपड़ी और चेहरा दोनों मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं स्कल बोन बोलते हैं फंक्शन क्या है स्कल बोन का या फेस बोन का है ना फंक्शन देख लो क्या है यहां पर सल एयर साइनेसिस मेक द स्कन लाइटर स्कन के अंदर पैरानेसल एयर साइनसिस होते हैं गैपिंग जिनके अंदर है ना एयर हवा भरी होती है सर हमारा क्या उतना भारी नहीं होता है जितना की होना चाहिए क्रेनियल कैविटी प्रोटेक्ट द डेलीकेट टिश्यूज ऑफ सेरेब्रम सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम भी ब्रेन का पार्ट है एंड ब्रेन स्टेम ये पूरा ब्रेन का पार्ट है यहां पर प्रॉपर एक वर्ड लिख सकते हो क्रेनियल कैविटी प्रोटेक्ट द डेलीकेट टिश्यूज ऑफ ब्रेन खत्म कर सकते हो

एलव्यूलर प्रोसेस डेट बियर शॉकेट फॉर टीथ इसके अंदर एल्वियर प्रोसेस होती है जिसके अंदर शॉकेट होते हैं प्रोसेस होती है इस से। हम यू कह सकते हैं इस टाइप से यह प्रोसेस होगी अब यहां पर गैपिंग है इन गैपिंग में क्या आएंगे टीथ आ जाएंगे इन गैपिंग में क्या आते हैं इस टाइप से टीथ आ जाते हैं क्लियर है यह टीथ आ गया गैपिंग है यह प्रोजेक्शन है ओके डेलिकेट मिडल एंड इंटरनल ईयर हमारा कान काफी नाजुक होते हैं तो डेलिकेट मिडल एंड इंटरनल ईयर आर प्रोटेक्टेड इन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन अब ये याद ना रहे रहा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कोई बात नहीं है सिंपल ले सकते हो इट प्रोटेक्ट मिडल एंड इंटरनल ईयर सिंपल सी बात बोन्स ऑफ द स्कल फॉर्म द बाउंड्री वॉल ऑफ नेजल कैविटी नाक की कैविटी होती है उसकी बाउंड्री वॉल बनाती है विच कीप द इनलेट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन ठीक है ना जिससे कि अंदर का जो पैसेज है वो खुला हुआ रहता है प्रोटेक्ट ब्रेन ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है द बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड मसल्स अटैचमेंट फॉर सम मसल्स मसल प्रोड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन यहां की जो बोन है वो कुछ अटैचमेंट लगता है ना हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन आते हैं ये मसल को खींचने के लिए उसका अटैचमेंट भी उसको भी अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है यानी कि उन मसल्स के अटैचमेंट के लिए भी यही बोन जगह देती है फेशियल बोन्स फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द फेस ऑब्वियसली बात है चेहरा हमारे बोन के हिसाब से होता है फेसियल बोन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एंट्रेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटिव सिस्टम फेसियल बोन से ही हम लोग खाने का और सांस लेने का, का काम करते हैं उसके लिए वो एंट्री प्रोवाइड करवाती है तो ये तमाम फंक्शन है बेसिक बेसिक से अब हम आ जाते हैं एक और फंक्शन को फिर आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे टूगेदर क्रेनियल एंड फेशियल बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द डेलीकेट स्पेशल सेंस ऑर्गन मिल करके क्रेनियल फेशियल डेलीकेट मतलब नाजुक स्पेशल ऑर्गन जो है विजन वाले टेस्ट वाले जीव है स्मेल है हियरिंग है और हमारा बनाने में मेंटेन करता है तो अब जरा देखो ध्यान से अब दो बातें जो हमारे कोर्स में है क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो फंक्शन हो गए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये सबसे आगे खोपड़ी एक ये हिस्सा होता है आगे वाला जिसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं अनपेड यानी कि ये कितनी है ये एक ही है अनपेड मतलब एक Bones, ये जो बोन है इसको मैं दिखाऊंगा अगर ऊपर से इसका हिस्सा है या नहीं है नहीं ऊपर से नहीं है तो ये बोन का ना ऐसा कट लगा होता है एक कट यह लगा होता, एक इधर होती है एक उधर होती है तो ये पेयर्ड हो गई यानी कि दो होती है एक इधर एक उधर देन sphenoid bones, sphenoid बोन्स जो कि ये यहां पर है ठीक है ना ये कैसी है अनपेयर्ड है ओके इथमॉइड बोन ये इथमॉइड बोन है किनारे की तरफ ये यहां पर निकली हुई है ये कैसी है अनपेड है यानी कि सिंगल है टेम्पोरल बोन ये कैसी है ये एक इधर है ठीक है ना एक इधर पे आएगी ये एक इधर है एक पीछे की तरफ होती है उसके उस तरफ तो ये हो गई क्लियर है तो काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार आई थिंक एक इधर ये भी होनी चाहिए थी अच्छा अनपेड है अनपेड का मतलब है एक मतलब पेयरिंग पेयरिंग अनपेयरिंग से क्या मतलब है कि एक इधर होती है जैसे पेड़ में मतलब क्या होगा साथ साथ में ही है एक इधर एक इधर बोन एक इधर है, दो तो एक इधर हो तो दो तीन चार ज्यादा हो गया एक चार पाँच छ सात एक बोन कुछ गड़बड़ कर रही है रुको देखते हैं एक मिनट अभी आगे आते हैं वेट। टोटल हमारे पास कितना था क्रैनियम hmm, में है आठ और फेस में है चौदह ये मैंने यहाँ पे लिखा होगा कहाँ गया कहाँ गया रुको यहाँ पर आते हैं पेयर्ड ये अनपेड एक एक मिनट आठ बोन होनी चाहिए अनपेड हो गई एक दो तीन चार और स्फिनॉइड बोन और इथफिन बोन ये एक और इथमॉइड बोन ये इसमें से एक एक दो एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात आठ इनमें से एक कोई गड़बड़ है इथमॉइड बोन एक इधर इधर होती है स्फिनॉइड बोन होती है ठीक है इनमें से एक गड़बड़ है अच्छा सॉरी सही तो है मैं इधर गड़बड़ कर गया ओके 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 हो गया हो गया हो गया हो गया मैं उधर तो काउंट ही नहीं कर रहा अनपेयर्ड एक दो तीन हो गई चार पांच छ सात और एक ये आठ वो तो गई आठ बोन ठीक है उधर देखे ही रहते ठीक है हमारे पास कितनी हो गई है आठ हो गई अब अब आगे आते हैं ठीक है तो याद रखेंगे फ्रंटल पेराइटल स्पीनॉयड एथमॉइड टेम्पोरल और ऑसीपेटल क्लियर है ये फ्रंट व्यू हो गया अब आते हैं फेशियल ये सारी क्रेनियल थी ये सारी कैसी हैं क्रैनियल खोपड़ी की बोन है ये सारी ये सारी बोन्स कैसी हैं खोपड़ी की अब आते हैं फेशियल बोन ठीक है किसकी बोन आते हैं फेशियल बोन ठीक है तो फेशियल में हम लोग देखें अगर नेजल बोन देख लो एक पार्ट ये एक पार्ट ये तो पेयर दो लेक्राइमल बोन एक बोन ये है एक बोन ये है तो ये कितनी पेर, दो जायोमेटिक बोन ये चिक बोन भी कहते हैं इसको हम लोग एक ये एक ये कितनी हो गई दो इनफीरियर नेजल नाक के अंदर की हड्डी होती है एक ये एक ये दो वॉमर ये बीच बीच में नाक में जो हड्डी पाई जाती है इसको वॉमर कहते हैं ये अनपेयर है ये एक है मैक्सिले एक पार्ट ये एक पार्ट ये बीच में पार्टीशन हो रखा है ना यू सामने का जबड़ा जो होता है ये दो होगी गई मैंडिबल ये नीचे वाला पार्ट को नीचे वाला जबड़ा जो हिल सकता है उसको क्या कहते हैं मैंडिबल ये कितने हो गए दो हो गए काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छ फिर कुछ गड़बड़ हुआ किसी भूल गया क्या पेयर्ड अनपेयर्ड वोमर ओके पेड़ पेड़ एक दो तीन चार पाँच और छः छः दूनी बारह और एक तेरह एक बोन कौन सी मिस होगी भाई आ, एक दो तीन चार पाँच छः सात तो सात दोनी चौदह कोई एक मिस होगी क्या ये अनपेड वॉमर ठीक है इसमें चौदह होनी चाहिए चौदह बोन्स होती हैं वॉमर तो वॉमर भी हमारे पास कितनी होंगी आ, इसको चेक करते हैं अभी एक मिनट इसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट ठीक है कि वोमर कितनी है और ये नेजल फिलहाल इसको देखें नेजल नाक की दो बोन हो गई है लेक्रामिक दो बोन हो गई है इनफीरियर कॉन्का इनफीरियर अंदर की तरफ वोमर को भी हम चेक कर लेते हैं मैगजिला पेयड है एक दो ठीक है ये कितना हो गया मैंडिबल ये भी क्या है अनपेयर्ड है तो ये दो कहां से हुआ भाई ये हो गया एक तो अ एक दो तीन पेयर्ड 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 एक दो तीन चार पाँच दस और ये हो गई दो बारह टोटल कितनी है अपने पास अपने पास टोटल बोन्स कितनी है चौदह होनी चाहिए तो कहीं पे कुछ मिसिंग है फटाफट इसको हम लोग चेक कर लेते हैं uh, कहाँ पर क्या मिसिंग है फटाफट देखते हैं इसको हम लोग ओके okay. तो ये अपनी जगह सारी सही है यहाँ पर दो बोन्स जो मिसिंग है वो बता दूं मैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक होती है पैलेटाइन बोन अंदर की तरफ जो होता है ठीक है ना वो एक्चुअली यहां पर हम लोग कुछ डायग्राम्स में यहां पे मेंशन करते हैं इस टाइप से ठीक है वो एक्चुअली अंदर की साइड होती है ठीक है तो वहां पर दो आ जाती है वो दो कौन सी हैं पैलेटाइन बोन पैलेटाइन बोन ये कितनी होती है टू इन नंबर तो ये पक्का याद रखेंगे एक और चीज जो याद रखने वाली यहां पर है कि केवल और केवल मैंडिबल बोन ऐसी है पूरे स्कल में जो मूव कर सकती है ठीक है केवल मैंडिबल ऐसी है जो क्या कर सकती है मूव कर सकती है क्लियर है आगे आते हैं अब देखो साइनस हम लोग कुछ साइनस की बात कर रहे थे आ, ये स्पिनर्ट जो बोन होती है उसी के पास में यहाँ कुछ गड्ढे से पाए जाते हैं ठीक है ना इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं साइनस यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ रहता है तो कई बार जब हम लोग जुकाम वगैरह होता है तो हम लोग कहते हैं साइनसिस हो गई है तो यहां पर जो रहता है ये इन्फ्लेम कर जाती है इसके अंदर का जो टिश्य वगैरह होते हैं वो क्या कर जाते हैं इन्फ्लेम कर जाते हैं ठीक है तो ये मैक्सिला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं केवल यहाँ साइनस दिखाना था ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम केवल तुम्हारे पास ये इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है सारे यहाँ पर कितनी है टोटल आठ यहाँ कितनी है टोटल चौदह तो टोटल स्केल में कितनी होगी चौदह और आठ छे और दो 22 बोन हो गई ठीक है ना क्लियर है ये या याद रखेंगे आगे आते हैं हायोर्ड बोन अब हायोर्ड को समझ लें क्या है हमारे पास हायोर्ड देखो ये होती है ठीक है ना ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है ये लिगामेंट रहती है अटैच रहती है लैरिंग्स के जस्ट ऊपर हायोर्ड पाई जाती है सब कुछ ऐसे वो रहता है ये इसका उभार सा रहता है इसको हम लेसर हॉर्न कहते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा सा उभार सा रहता है इसे ग्रेटर हॉर्न कहते हैं ये बीच का मेन पार्ट बॉडी आती है यानी कि अगर तुम्हारे पास हायर्ड बोन का स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो तुम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के दोगे क्लियर है और देख लें इसको ये ग्रेटर हॉर्न लेसर हॉर्न बॉडी ठीक है ग्रेटर हॉर्न लेसर हॉर्न बॉडी अलग अलग तरीके से हम देख रखा है इसको और कुछ नहीं है अब इसके फंक्शन की बात कर लें फंक्शन क्या है सिंस द हायर्ड फंक्शन एज एन अटैचमेंट

हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में भी, भी इन्वॉल्व होता है इट प्लेज अ रोल इन कीपिंग द एयरवे ओपन ये एक रोल प्ले करता है कि जो रास्ते हैं हमारी जो नलियां हैं अंदर वो क्या रहे हमारा जो विंड पाइप है वो खुला रहे ठीक है तो कितने तीन काम हो गए लैरिंग्स वाले सारे काम परफॉर्म करेगा प्लस जीभ को अटैच हमारे जो जीभ है टंग है उसको अटैचमेंट का पॉइंट देगा साथ में रेस्पिरेशन के रोल में ये अपना रोल प्ले करता है क्लियर है हायर्डबोर्न का फंक्शन समझ में आया कहां पाई जाती है वो बात समझ में आई आगे चलते हैं देन ऑडिटरी ऑसिकल्स ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि यहां पर तुम देख हो गए ये कान बाहरी हिस्सा यहां तक फिर ये आता है मिडिल ईयर ये हो जाता है इंटरनल ईयर ईयर वाला जब पार्ट पढ़ेंगे यहां पर तीन हड्डियां होती हैं एक दो और ये तीन ये इस तरह से अटैच हो रखी है ठीक है एक ये दो कलर चेंज कर दूं जरा मैं इसका ये एक ये दो और ये तीन ठीक है तो मैलियस इनकस और स्टेपिस इसको कैसे याद रखोगे मिस मैलियस इनकस स्टेपिस घोड़े का जैसे हो ना, जिसको बैठते हैं इनकस हम है. हमारा क्या हो गया यह मैलियस इनकस ठीक है यहां पर इसका ना शेप दे रखे होंगे फंक्शन उसके ऊपर आते हैं इनके सबके शेप मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ठीक है दी थ्री बोन्स आर नेम्ड आफ्टर द शेप मैलियस जो होता है हैमर शेप का ये देख रहे हो हथौड़ा जैसे मार रहे हैं इनका जो है वो एनविल एनविल क्या है अगर इसको गौर से देखोगे इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें तो वो देखा जिस पे लोहार एक चपटा सा रखा रहता है उसे तो पीटता है लोहे को कुछ इस टाइप का लग रहा है तो इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया एनविल ठीक है एनविल के हिसाब से इनकस पड़ा इसका नाम और स्टेपिस स्टिरप जिस हम पे हम लोग पैर रखकर घोड़े पे चढ़ते हैं तो देखो नाम कैसे याद रखे जाएंगे मिस अगर शेप की बात आती है तो मैलियस इनकस स्टेपिस और हैस मैलियस का हैमर शेप इनकस का एनविल शेप और स्टीरप का सॉरी स्टेपिस का स्टीरप शेप मिस हैस इस तरह से याद रख लोगे तो याद हो जाएगा अब इसके शेप की बात कर ले हम लोग और सॉरी शेप की बात तो कर ली थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें तो इनकस के स्ट्रक्चर में लॉन्ग प्रोसेस अब प्रोसेस मतलब पता चुका है ना क्या है? उभार जैसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं तो ये वाला पार्ट लॉन्ग हो गया शॉर्ट और काउडल प्रोसेस या शॉर्ट प्रोसेस लिख दोगे ये हेड लिख दोगे कितना आसान है शेप डायग्राम बना दे लो ऐसे बना लो डायग्राम ये चोंच बना ली इस तरह से कर लिया स्ट निकाल दे लो टेम्प्रेरी बनाना बहुत अच्छा नहीं बनाना कि बहुत अच्छा बना रहा है यहाँ पर ये बना लो वो क्या कहते हैं उसका क्या ना खड़क उसको हथियार नुमा फटाफट इस तरह से करके इसमें क्या कर लोगे ऊपर हेड कर दोगे ये नेक कर दोगे ये मैन्यूबरियम हो जाएगा ठीक है अब ये बीच वाले को और इसे कर दोगे जो तीन चार कम से कम एक पार्ट है एक जो बोन है उसके कम से कम तीन से चार पार्ट पक्का याद रखो इसमें कुछ है ही नहीं फुट जिसमें रखेंगे फुट प्लेट या बेस स्टेपिस ये ऊपर हेड हो गया ये नेक हो गया ये पोस्टीरियर लिम या एंटीरियर लिम किसी को भी आगे पीछे कर देंगे सिंपल सा याद हो जाएगा ये इसमें आप कोई भी चार याद कर लोगे क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर लेंगे डायग्राम क्योंकि डायग्राम स्ट्रक्चर बोला है और फंक्शन बोला तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है ठीक है स्ट्रक्चर किसी का भी पूछ सकता है तो थोड़ी थोड़ी थो 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 बना बना के प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आगे आते हैं क्लियर है ईयर ऑसिकल का अच्छा ईयर ऑसिकल का फंक्शन तो वही है क्या करता है द ईयर ड्रम वाइब्रेट अब क्या होगा जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है यहां पे आके ईयर ड्रम होता है वो जब वाइब्रेट करता है वाइब्रेशन आर देन पास टू थ्री टाइनी बोन्स ये वाइब्रेशन क्या करेगा इन बोन्स को जाके बीट करेगा हिलाएगा ठीक है इन द मिडिल ईयर कॉल्ड द ऑसिकल्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑसिकल बोलते हैं मिडिल ईयर के ठीक है।, है तो हड्डियों पढ़ेंगे इसका फंक्शन हम लोग तो उसने हड्डियों को हिलाया ज्यादा जब धीमी साउंड होती है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ाती है दे सेंड द साउंड इनर ईयर जो अंदर की ईयर होती है वहां पर इसको भेजते हैं एंड इन टू द फिल्ड फिल्ड हियरिंग ऑर्गन कॉकलिया अब कॉकलिया वगैरह डिटेलिंग में हम जाएंगे आगे इस चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सिंपल सा का काम क्या है है एम्पलीफाई द साउंड ठीक ना और साउंड वेव को भेजती है इनर ईयर में जिससे कि हम लोग क्या कर उसे सुन सके फिर. इतना काम याद रखना है क्लियर है आगे आते हैं इतना भी लिख दोगे इट इज अयरिंग ऑर्गन तब भी चल जाएगा एक बार को ठीक है और स्पेसिफाई करके लिख दो तब भी चल जाएगा आगे आते हैं नेक्स्ट है वर्टिप्रल कॉलम नेक्स्ट क्या है हमारे पास Vertebral column. अब देखो क्या होता है रीढ़ की हड्डी हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है count करते हैं One, two, three, four, five, six, seven. तो सात है Cervical vertebra, जो हमारी है. है? वो है छाती की हड्डियां है, रिब्स हैं उतनी ही क्या है थोरेसिक है कितनी है बारह याद करते चलेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है सर्वाइकल में सात याद करेंगे C7 सेवन थोड़ा ट्वेल्व और लंबर यानी कि हमारा कमर वाला पार्ट आ गया यहां कितनी है पांच एक दो तीन चार पांच L5 फाइव क्लियर है फिर आता है सबसे नीचे पार्ट सैक्रम एक कॉकिक एक ठीक है ना ये एक्चुअली सैक्रम और कॉकिक्स तीन से चार बोन स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तब तो ये सैक्रम एक नहीं होता है तीन चार बोन होती है आपस में फ्यूज होकर के एक बनता है वो अभी अपने मतलब का नहीं है तो सैक्रम वन कॉकिक्स वन ठीक है तो अब इनको जोड़ लेंगे टोटल यहां पे कितनी बोन्स हो गई हैं तो सर्वाइकल सात थोरेक्स ट्वेल्व लंबर पांच सैक्रम वन और कॉक ये याद रखना है पक्का ध्यान से बात समझ में आ गई अब इसका फंक्शन देख लो इसका फंक्शन तो मन से ही बना के लिख सकते हो अगर एक बार इसको पढ़ लोगे क्या काम कर रहा है ये सपोर्ट द हेड हमारे सर को सपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली बात है सर्वाइकल हमारे सपोर्ट करती है हेल्प मेंटेन बैलेंस इन द अपराइट पोजिशन हम लोग तो सीधे खड़े रहे इसको बैलेंस करके रखता है इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट जो स्ट्रक्चर आ गया इसके बाद जब ये ये इस है. है जब एक के ऊपर एक लग हैं है ना, बीच में गैप क्रिएट होता है उस गैप में क्या चलता है हमारा स्पाइनल्ड हम कैसे भी टेढ़े मेढ़े होंगे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई असर नहीं आता है बात समझ में आ रही है ठीक है तो इनक्लोज मतलब कवर करती है और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को परमिट मूवमेंट मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड में रोटेशन हम जो आगे घूम रहे हैं साइड घूम रहे हैं ये सारा परमिट कौन करता है ये ही करता है वट कॉलम एबजॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग द वॉकिंग हम चल रहे हैं दौड़ रहे हैं तो धचके जो लगते हैं वो धचके को क्या करता है ये एब्जॉर्ब करता है ठीक है एब्जॉर्ब करने के लिए इनके बीच में क्या होते हैं देखो दिखाता हूं मैं इसके बीच में ये होते हैं ये एनुलर पैड्स होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज के होते हैं इससे क्या होता है जो दो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है आगे आते हैं सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिप्स पेल्विक गर्डल है ना यहीं पे हमारी रिप्स भी जुड़ती हैं आगे इसी में पीछे की तरफ पेल्विक गर्डल अच्छा पेक्टोलो पेल्विक ये हिप भी आगे जुड़ रही है एंड मसल्स ऑफ द बैक एंड अपर लिम्स जो ऊपर लिम्स और पीछे की रीड जो मसल्स है हमारी वो भी आकर के इसी में आगे जुड़ती हैं ठीक है तो मसल्स के पॉइंट का अटैचमेंट भी है प्लस साथ में वो जो स्टार्टिंग के पांच हमने फंक्शन पड़े वो भी लिख सकते हो क्लियर है तो ये स्ट्रक्चर इसका तो मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए काफी डिफिकल्ट है ये लेकिन तभी आ जाता है अगर तो इसका ना आकर के स्ट्रक्चर पता किसका आएगा ये आएगा कि ड्रॉ द टिपिकल एक कॉमन एक बड़ा ही कॉमन सा टिपिकल उसका वर्टी का डायग्राम बनाइए तो बना दोगे इस टाइप से कुन्ने बनाओगे तीन ठीक है इसको ऐसे गोल कर दोगे यहां पर रंग दोगे और इसको डबल डबल कर देना ठीक है ना इसको ऐसे डबल कर दोगे तो इस तरह से बन जाएगा प्रैक्टिस कर लेना इसकी अब देखो स्पाइनस हमने पढ़ा था पीछे स्पाइनस प्रोसेस ये बीच में क्या है लमीना ये जो पूरा गोल राउंड है सर्कल इसे वर्टिप्रल आर्क कहते हैं ये जो पूरा गोल गोल राउंड इतना इतना हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिप्रल आर्क कहते हैं

ये एक पार्ट क्या कहलाएगा ये लाइमिना कहला देगा तो तीन से चार पार्ट इसके याद कर लोगे काफी है ये डायग्राम आ सकता है इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मैंने दिखाई दिया तुमको ये डायग्राम ये याद नहीं करना हमको केवल समझने के लिए रिंग होती है एक के ऊपर एक इस तरह से जुड़े रहते हैं फिर बीच में क्या करिए देखो ये फोरामैन आ गया ठीक है अब देखो यहां पर जब एक के ऊपर एक जुड़ते हैं इस तरीके से ठीक है ये साइड व्यू करके दिखाया हुआ है तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ेगा ये और इसके बीच में जो एक गैप क्रिएट होता है फोराम जो था उसके अंदर हमारी क्या चलती है स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर हमारी मूव करती है ठीक है बात समझ में आ गई ओके तो आगे आते हैं हम लोग फोन किसका आ रहा है? ओके तो ये डायग्राम हमें सिर्फ समझने के लिए था इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि किस तरह से एक के ऊपर एक ये इस तरह सेट हो रखे फंसे हुए से रहते हैं इसके अंदर ये अटैचमेंट रहता है एक का अटैचमेंट दूसरे में दूसरे का अटैचमेंट ये पीछे क्या है यहां पर आकर हमारे जो वो है बैकबोन बोन आकर के सॉरी बैकबोन बोल रहा हूं रीढ़ की हड्डियां आकर के आ करके, पीछे आकर के जुड़ती है ये ठीक है आगे आते हैं नाउ स्टर्नम स्टर्नम क्या होता है समझ ले पहले हम लोग ये देखो स्टर्नम ये वाला पार्ट जो है ना रीड की हड्डियां आगे जाकर के पीछे की तरफ जा रही तो है तो और ये जुड़ी हुई है आगे कहां जुड़ी हुई है एक्स्टर्नम में पीछे कहां जुड़ी हुई है उसमें बैक बोन पे हमारा जो वो था वर्टिपल कॉलम ठीक है ना तो ये देखो दूसरी वाली हड्डी ये जा रही है और ये पीछे कहा जुड़ी हुई है बैकबोन में तो आगे और पीछे बीच में क्या क्रिएट होता है बीच में गैप रहता है तो हमारे पास कितनी है है रिब्स हमारे पास ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसकी ये ये क्या हमारे पास वाला पार्ट क्या होता है स्टर्नम होता है क्या होता है स्टर्नम होता है अब इसका स्ट्रक्चर देख ले अगर तो जो हल्का सा ऊपर गैप दिख रहा है इसे हम जगुलर नोच कहते हैं ठीक है ना ये क्लैविकल जो आ गई उसका मतलब नहीं है यहां पर हमें क्लैविकल का अब यहां पर जो जॉइंट है इसे एंगल ऑफ लोइस कहते हैं बीच का जो ये पार्ट है इसको हम लोग ट्रांसफर रिजेस ये देख रहे हो ये ये रिजेस आ गई है ये, ये मेन यहां पर क्या आ गई बॉडी आ गई और ये लास्ट में क्या है प्रोसेस ये पक्का याद करेंगे ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब इसका और डिटेल में डायग्राम देख ले तो देखो यार यहां पर साइड कर दिया हमने ऐसे करके साइड ले लिया तो ये आर्टिकुलर साइड फॉर क्लाविकल क्लाइविकल के जो क्लैविकल भी यहां पर आगे जुड़ रही है आर्टिकुलर फैसिड फॉर रिब वन उसके जस्ट नीचे ही पहली रिब आकर के ये जुड़ जाती है फिर रिब टू के लिए ये रिब थ्री टू सिक्स के लिए कुछ ऐसा बना दोगे ठीक है जगलर नॉच हो गया ये क्लाइविकल नॉच हो गया ये ठीक है ये ऊपर वाला पार्ट ये पक्का मैनिबोरियम उसके नीचे वाला पार्ट बॉडी और सबसे नीचे वाला पार्ट जीफॉइट प्रोसेस तीन पार्ट पक्के से इसके मेंशन करना है या चार ऐसे कर लो जगलो नॉच मैनुबोरियम ऊपर का पार्ट बॉडी और रिफॉइड प्रोसेस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बनाना सीख जाओगे क्लियर है अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग टुगेदर विद एंटीरियर रिब्स एंटीरियर रिब्स के साथ जो हमारी रिब्स है आगे की द स्टर्नम हेल्प टू प्रोटेक्ट द हार्ट अब यहीं पे हमारा हार्ट भी मौजूद है लंग्स भी मौजूद है ठीक है फ्रॉम डैमेज डैमेज से बचाता है एज वेल एज फेसिलिटेट द एक्सपेंशन और साथ साथ में

लर बोन एंड मोस्ट ऑफ योर रिब्स यानी कि रिब्स को जोड़ने में और कोलर बोन को जोड़ने में भी ये क्या है? Help करता है हेल्प करता है यानी कि उनका अटैचमेंट पॉइंट बनता है तो ठीक है वही सारी बातें जो सीखी पर हमने वही लिख भी दी हमने ना रिब्स अब किसकी बारी आ रही है रिब्स की फंक्शन सेम हो जाएंगे जो तो स्टर्नम के लिखे थे वही सारे सेम फंक्शन रहेंगे ठीक है अब देखो रिब्स क्या है ये गई पहली रिब यहां से घूम करके पीछे ये जुड़ गई तो कितनी है एक दो तीन चार पांच छह सात अब जरा गौर से देखेंगे यहाँ पर जो सात रिब्स हैं वो तो डायरेक्ट पहली आकर के डायरेक्ट इससे जुड़ गई पहली आकर डायरेक्ट जुड़ गई दूसरी जुड़ गई डायरेक्ट तीसरी जुड़ गई डायरेक्ट चौथी पांचवी छठी और सातवीं जुड़ गई लेकिन अगर आठवीं को देखोगे तो आठवीं इस स्टर्नम से ना जुड़कर के आठवीं यहां जुड़ गई इसमें नवी इसमें जुड़ गई जाकर के दसवीं इसमें जुड़ गई जाकर के तो आठवीं नवी और दसवीं ये जो तीन बोन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिप्स क्या कहते हैं फॉल्स रिप्स कहते हैं क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट जाकर के इसमें नहीं जुड़ी और जरा गौर से देखो 11 और 12 को ये तो आके जुड़ी ही नहीं है कहीं पे बस ऐसे रखी हुई है तैर रही है तो इनका नाम क्या पड़ जाता है फ्लोटिंग रिप्स तो ध्यान रखेंगे वन टू सेवन ट्रू रिप्स क्या कहते हैं ट्रू टी आर यू ई ट्रू ठीक है ना और एट नाइन टेन फॉल्स इलेवन और फ्लोटिंग ये नाम याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है इनको क्या कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं क्लियर है अब आगे आते हैं कोई एक रिप का टुकड़ा तोड़ ले हम लोग ठीक है और उसका स्ट्रक्चर आ जाए अगर बनाने केज का स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा रिप के टुकड़े का ही आएगा तो देखो क्या है एंटीरियर कोस्टल कार्टिलेज जो जाकर यहां पर कहा जुड़ रहा है ये स्टर्नम में जाकर के पीछे कहां जुड़ रहा है ये जाकर के वर्टिब्रल uh, कॉलम में जाकर के पीछे की तरफ तो इसमें क्या निकाल दोगे ऐसे कुन्ना बना दोगे एक ठीक है ना तो ये हेड हो गया इसका ये नेक हो गया ये ट्यूबरकल हल्का सा बाहर निकला है ट्यूबरकल ये एंगल हो गया ये ग्रूव जो खाचा से कट रहा है ये एक्सटर्नल सरफेस और ये इंटरनल अंदर की तरफ जो अंदर है इंटरनल सरफेस और बाहर की तरफ ये एक्सटर्नल सरफेस खत्म कहाानी बात समझ में आ रही है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना यहां पर इसको चाहे ऐसे देख लो अब हेड नेक ऊपर कर दिया मैंने चाहे जा, जैसे समझ में आ जाए तुम्हें ये मैंने समझा दिया ये आगे वाला पार्ट है ठीक है ये कहाँ जुड़ रहा है ये वाला पार्ट ये आगे वाला ऐसे निकाल लिया एक ठीक है लेकर के ऐसे यहां रख लिया हमने इस तरफ वाला निकाल लो जैसे ये निकाला और यहां रख लिया ऐसे ठीक है ना तो ये इसके नेक ट्यूबरकल हेड ये पोस्टेरियर मतलब पीछे कोस्टर कोस्टल कार्टिलेज आगे वाला पार्ट हो गया तो ये एक निकाल करके चार से पांच इसके नाम याद कर लोगे क्लियर है वो खत्म हो गया यानी कि हमारा क्या हो गया एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया अब हम आते हैं क्या अपेंडिकुलर साइड वाले पार्ट में किसमें आते हैं साइड वाले पार्ट में आते हैं पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल हो गया हमारे है ना ये वाला ये वाला इसके अंदर क्लैविकला और स्कैपुला दोनों आते हैं कौन कौन आ गए शोल्डर दैट इज इक्वल टू क्लैविकल एंड स्कैपुला तो इसका मेन काम पता ही अब क्या रहेगा इसको ये क्या हमारा ह्यूमरस इसको अटैच करना और उसको मोशन कर प्रोवाइड करवाना प्लस बॉडी के जो हमारे पास वो है मसल से उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द द पेक्टोरल इज टू प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर न्यूमरस मसल कई सारी मसल्स को यहां आके जोड़ता है ये मूव द शोल्डर एंड एल्वो और इसी मसल्स की वजह से हमारा शोल्डर और एल्वो क्या करती है मूव करती है सपोर्ट करता है अपर लिम अपर लिम को सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो सिंपल सी बात है लिख सकते हैं इसको हम लोग यहां पर तो ये रहा हमारा स्कैपुला और ये रहा हमारा क्लैविकल तो स्कैपुला एक निकालने अलग तो देखो यहां पर क्या कैराकोड प्रोसेस एक्रोमियल प्रोसेस ये ग्लिनॉइड कैविटी एक तरह की कैविटी होती है छेद होती है जिसके अंदर इसका जो हेड होता है मतलब तो कैविटी और ये ऐसा करके यहाँ पे फंस जाता है ये पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के अंदर इसे डिटेल में पढ़ेंगे ये ऐसे आगे फंस जाता है और फिर ये हाथ हमारा ये वाला ऐसे मूव करता है ठीक है ना ये वाला पार्ट है ये हड्डी का यहाँ आके फंसता है दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी ये नेक हो गया ये स्कैपुला का नॉच हो गया ये ठीक है सुपीरियर बॉर्डर हो गया ये लेटरल बॉर्डर हो गया ठीक है एक पार्ट याद कर लेंगे अब इसको तुम लोग कहोगे सर देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बना लो जैसे मैं इसको देख के बना रहा हूँ मैं इसको ऐसे करके बना लो भाई या ऐसे कर लिया फिर एक ऐसे कर दिया ठीक है ज़रूरी नहीं है कि एकदम डिट्टो ही बना दो फिर इस तरह से और इस तरीके से करके अरे इस तरह से बना दो यार ठीक है ना क्लियर है बन जाएगा मतलब नाम मेंशन कर दो तो इस तरह बन जाएगा चल जाएगा अगर डायग्राम आता है तो अब क्लैविकल ले लें क्लैविकल के तीन पार्ट समझ लें हम लोग यहाँ पर ये ज्यादा समझाने के लिए बता ग्लेनॉइड कैविटी ये कैविटी याद रखेंगे जिसमें का नाम क्या हैल ले ले तो है, है राइट मतलब हमारे पास आ गया ये वाला ये ऐसे खड़े तो ये वाला आ गया ठीक है ना और ये एक्सटर्नल मीडियल एंड एक्सटर्नल मतलब ये आकर के ये वाला एंड हो गया ये वाला एंड कौन सा हो गया एक्सटर्नल एंड हो गया ये एक्रोमियल एंड एक्रोमियल मतलब ये हमारे पास था ना एक्रोमियल में आके फसेगा आकर के यहां पर तो ये वाला एंड क्या हो गया एक्रोमियल एंड हो गया ठीक है ये एक्रोमियल एंड एंड हो हो गया ये sternal end हो गया बीच में शाफ्ट हो गया ये ये फेसेट हो गया एक्रोमियल फेसेट हो गया खत्म कहानी चार नाम ऐसे याद हो गया एक्रोमियल एकट मतलब पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में ये एंड हो गया ये क्या हो गया एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल की तरफ आके फंसेगा फेसेट मतलब वाला फेस वो वाला फेस जहां पर आकर के क्या होता है कोई चीज जुड़ती है आकर के ठीक है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां फेसेट बोल देते हैं क्लियर है बातें अब ये डायग्राम छोड़ देना यहां पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए लेके आया था केवल कि इस तरह से ये रहता है और ये हमारा हाथ ऐसे करके यहां फंस रहता है अब बात कर ले अपर लिम की अपर लिम में कौन कौन आ गया ह्यूमरस ये देख सकते हैं ये ह्यूमरस आ गया अल्ना रेडियस कार्पल मेटाकार्पल एंड मेटाकार है ना ह्यूमरस अल्ना रेडियस कार्पल मेटाकार्पल और फेलेंजस फंक्शन क्या है फ्रेमवर्क ऑफ आर्म पूरे हाथ को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं एक्ट एज लीवर है ना हम लोग लीवर का देखते हैं जैसे कि हमने यहां पर उठा के कोई चीज उठा रहे हैं तो ये किसका काम कर रहा है लीवर का काम कर रहा है तो वैसे ही कोई चीज उठानी होती है तो ये लीवर का काम करता है एंड मस्कुलर अटैचमेंट मसल्स आकर के यहां पे अटैच करते हैं ये तो सब में लिख सकते हो ये बड़ा ही कॉमन है पूरी बॉडी में जहां जहां बोन है वहां पे मसल्स तो आके अटैच हो ही रही हैं ठीक है थीके? कान वाले को छोड़ देना <laughs> आगे आते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे ना अच्छा ये डायग्राम देगा यहां पे फिर से आ गया ये ओके अब ह्यूमरस समझते हैं फटाफट डायग्राम अगर आ जाए तो पूरा नहीं बनाना केवल ह्यूमरस का के बनाना है सबसे ऊपर हेड ठीक है ना उसके बाद नेक फिर ट्यूब्रोसिटी ये मेन बॉडी शाफ्ट आ गया ठीक है और ये कोंडाइल सबसे ऊपर क्या है ये एपी ठीक है ना फिर ये फोसा चार पांच याद कर लेने सारे नहीं मैं बता दे रहा हूं ये देखो ग्रेटर ट्यूबरकल अब ये ट्यूबरकल का मतलब क्या होता है ग्रेटर मतलब बड़ा लेसर मतलब छोटा अब तुम कहोगे ट्यूबरकल क्या होता है फोसा क्या है रिज क्या है ये स्टार्टिंग में वर्ड हमने सारे किए थे तो ये तुमको बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से ठीक है इधर पे कोई एक पार्ट ले लोगे इसका जैसे कि यहां पर इसको ही ले लोगे ठीक है अब इसमें बहुत सारा दे रखा है केवल क्या करो एक डायग्राम बना लेना ऊपर हेड हो जाएगा ठीक है ये हो गया एनाटॉमिकल नेक ये हो गया सर्जिकल नेक काटने के पर्पज से जब होता है एनाटोमिकल नेक ये रहा फिर बीच में ये शाफ्ट हो गया शाफ्ट कर दोगे यानी कि एक दो तीन और सबसे ऊपर कर दोगे एपिकॉन्डाइल या मिडिल केवल एपिकॉन्डल कर दोगे चार चार या पांच क्या कर लेना है तुमको याद कर लेना है बस ठीक है क्या इनके अगर डायग्राम आ जाए तो चार पांच नाम उसके दे सको क्लियर बाते है बातें आगे आते हैं देन रेडियस अलना देखो रेडियस अलना ये हमारा सीधा हाथ ऐसे करके रहेगा तो देखो रेडियस किस तरफ है बाहर की तरफ अलना किधर है अंदर की तरफ क्लियर है ये ऊपर अब रेडियस अलना में जरा गौर से देखो जरा यहां पर इस तरह से रहते हैं ये क्या है अलना अलना बड़ी है साइज में ठीक है ना और रेडियस ये रेडियस है बाहर की तरफ ये क्या है छोटी है साइज में क्लियर है बातें बात, बात क्लियर होगी अब यहां पर कुछ कुछ हम बातें याद कर लेंगे ऑलिक्रेन प्रोसेस फिर कैराकॉइड प्रोसेस दो प्रोसेस याद रख लेंगे एक दो देन 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 ये अल्ना हो गया ये रेडियस होगी फिर ये अल्नर नॉच ऑफ हेड ऑफ द अल्ना ठीक है हेड ऑफ द अल्ना तीन कर लोगे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट ठीक है चार चार या पांच याद रखनी है हमको हड्डियों के नाम हाँ ये सबसे बढ़िया है ये प्रोक्सीमल एंड शाफ्ट डिस्टल एंड डिस्टल मतलब ये दूर वाला प्रॉक्सीम मतलब जो इस तरफ है और बीच में क्या आ गया शफ्ट आ गया बीच में क्या आ गया शफ्ट आ गया क्लियर है बस इससे चार पांच नाम याद रखिएगा थोड़ा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बस उससे ज्यादा कुछ नहीं फंक्शन हमें पता ही थे अब देखो कार्पल मैंने बता ना कार्पल जहां पे हमारी रिस्ट वॉच ये रिस्ट रहती है तो देखो ये कितनी है ये एक दो तीन चार पाँच छ सात कुछ मिस कर दी ये एक अच्छा एक ये अंदर की तरफ है एक एक दो तीन चार पांच छः, सात और ये आठ ना टोटल आठ है तो नाम याद रखने के लिए सबके नाम, ट्राइक, है, 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 है। सब नाम है तो शी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैचर है ना वो बहुत सुंदर दिखती है उसको पकड़ो तो शी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैचर शी से स्कीफ लुक से ट्राइक्यू ट्राइक् पीसी फॉर्म ये नाम है जो आठ नाम है हमारे पास यानी कि जो आठ हमारे पास बोन्स हैं उनके नाम को याद रखने का तरीका है क्लियर है ये हमारे पास यहां पाए जाते हैं ये कार्पल बोन्स अब कार्पल के आगे क्या होती हैं मेटाकार्पल ये कार्पल निकल गई उसके आगे मेटाकार्पल मेटाकार्पल मेटा मेटा मेटा, मेटा। आपको कुछ समझने के लिए नहीं है मेटा के आगे क्या होती है फिलेंजेस होती है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल मतलब जो मेटा के साथ हैं और डिस्टल हो जाएंगी ये वाली ये क्या हो जाएंगी डिस्टल और ये होगी प्रॉक्सिमल पास वाली ठीक है ना अब इसमें भी हम लोग ऐसे एक सिंगल मैटा कार्बल का कर बनाने को नहीं आएगा ठीक है पूरे पूरा हाथ का आ सकता है सिंपल मेटा कार्बल का नहीं आएगा तो पूरे पूरे हाथ का ही बनाने का प्रैक्टिस करना ठीक है क्योंकि इसमें दो ही चीजें होती हैं बीच की बॉडी और हेड होता है इसके अंदर फिलेंजेस को देख लो फिलेंजेस प्रॉक्सिमल फेलेंजेस प्रोक्सिमल मतलब जो पास वाला है ये मिडल हो गया जो बीच वाला हो गया ये डिस्टल हो गया दूर वाला तो सबके सबके जो पास वाले हैं uh, पास वाले हैं वो सब क्या हो गए प्रॉक्सिमल सब में बीच बीच वाले क्या हो गए मिडल और सबके दूर वाले क्या हो गए डिस्टल इधर ये जॉइंट्स दे रखे हैं जॉइंट्स को हम लोग जॉइंट्स ज्वाइंट्स पढ़ेंगे डिटेल में कि ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल ये अभी यहाँ पे मत पढ़ना जॉइंट्स जॉइंट्स अभी हाँ पर छोड़ देना यहाँ पे अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं हड्डियों के बारे में फेलेंजेस से जुड़ी हुई प्रॉक्सिमल बीच वाली मिडल फेलेंजेस और सबसे ऊपर वाले डिस्टल डिस्टल मतलब दूर क्लियर है बातें देन आता है पेल्विक गर्डल पेल्विक मतलब हमारा हिप वाला पार्ट आ गया तो अब यहां पर क्या है सिंपल सी चीजें फटाफट देख ले हम लोग सपोर्ट द ट्रंक ऑफ द बॉडी इसी हिप वाले पार्ट पे पूरी हमारी बॉडी है ट्रंक धड़ जो है हमारा वो टिका हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट फ्रॉम वर्टिपल कॉलम टू द फीमर ये पूरा वजन वर्टिपल कॉलम से होता हुआ फीमर हमारी थाइस बोन पे जाके ट्रांसफर हो जाता है प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लोअर लिम्स लिम्स जो नीचे की है उनके लिए अटैचमेंट उनको जोड़ने का काम करता है प्रोटेक्ट यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर रहता है हमारा इसी के बीच में यहां पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट डिस्टल एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी का छोर होता है वो कुछ यहीं पे जाकर के मिलता है बाकी इंटेस्टाइन तो यहां रहती है लार्ज छोर यहां आ जाता है ठीक है प्रोटेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को भी क्या करता है प्रोटेक्ट कर रहा है अब इस डायग्राम को समझाने के लिए था ये डायग्राम काफी अच्छा लग रहा था इसलिए मैं लेके आया था मैंने कहा था ना दो पार्ट होते हैं एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा और बीच में जहां जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं क्या कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस ठीक है अब जरा गौर से देखना ये जो होता है तीन से बना होता है तीन बोन ये पक्का याद रखोगे इलियम इशियम प्यूबिस अब देखो ये इलियम वाला जो पार्ट है एक इलियम होता है और एक इलियम होता है आई एल ई ठीक है ना वो कंफ्यूज करेगा वो हमारा में पाया जाता है तो ये क्या हो गया इलियम ये हो गया इलियम ठीक है ना ये हो गया क्या इशियम और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया सॉरी ये हो गया इलियम हो गया ग्रीन वाला क्या हो गया इश्चियम हो गया ये और ये वाला पार्ट क्या हो गया प्यूबिस तो तीन टाइप की बोन से मिलकर के बने होते हैं ये ठीक है तो मिलकर के फिर फाइनली एक हो जाता है ये ये फाइनली क्या हो जाता है ये? एक हो जाता है क्लियर है तो इसीलिए पूरा ये ये एक है ये. तो ध्यान रखेंगे ये तीन बोन से मिलकर बना होता है क्लियर है बातें ये डायग्राम बना दोगे इधर पे आप क्लियर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे केवल हाँ ये कर सकते हो जैसे यहां पर ऑप्ट्यूरेटर फोरामेन कहां पाया जाता है एक वाला फोरामैन था ऊपर वाला ठीक है ना ये ऑप्टिवरेटर फोरामैन है ये यहां पाया जाएगा किसमें पेल्विक गर्डल में ठीक है प्यूबिक आर्क प्यूबिक आर्क प्यूबिक तो पता है कौन सा पार्ट होता है नीचे का पार्ट होता है, उसको प्यूबिक कहते हैं तो इस तरह से कुछ नाम केवल ये हो गया प्यूबिक आर्क हो गया और ये तीन नाम हो गए आगे आते हैं लोअर लिम्स जिसके अंदर फीमर था पटेला पटेला इसके आगे होता है जो हमने देखा अभी टीबिया फिब्यूला ये रहे टार्सल मेटाटार्सल और फेलेंजिस आ जाती हैं. क्लियर है आगे आते हैं अब देखो यहां पर ये बना दोगे हड्डी कितना आसान है ये है ना ऐसे कर दोगे इस तरह से निकाल लाओगे ये अरे प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा ठीक है तो ये सबसे पहला हेड ये नीचे नेक पतला हो जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर लेसर ट्रोकेंटर जो हल्का सा निकला हुआ है ये शफ्ट आ गया नीचे क्या है कॉन्डाइल मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल बीच वाली और साइड वाली कॉन्डाइल क्लियर है।, है बस फटाफट हो गया ये अब चले आगे फंक्शन बेटा वो सबके जो है ना जो फंक्शन लिखा दिए थे वो सब में ही करके सपोर्ट कर रहा है और वो कर रहा है कि ट्रंक को बियर करता है ठीक है और वो वाले फंक्शन की बोन मेरा को बना रहा है और बोन वगैरह के थ्रू क्या बनता है ब्लड वगैरह बन रहा है वो सारे फंक्शन सेम हो जाएंगे पटेला की बात कर ले पटेला थोड़ा सा स्पेशल है देखो तो पटेला ये है और एक क्वार एक मसल्स ये जा रही है अब मैं जब बोलूँ थाई में जैसे बैठ रहा हूं मैं तो एक मसल्स मेरी थाईस के ऊपर आ रही है ये वाली मसल है एक मेरे घुटने के नीचे जा रही है ये वाली मसल है तो देखो तो लीवर तो 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 हम किसी पत्थर को उठाना चाहते हैं तो लीवर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वही चीज है ये हमारी बोन है ये एक तरह से लीवर का काम कर रही है जिससे हम कोई भारी चीज उठा के चल रहे हैं या हमारे हमारा जो शरीर अगर इस तरह से झुका हुआ है तो ये कहीं ना कहीं कहा है इस लीवर की तरह काम करने की वजह से ठीक है ना हम अपने शरीर को इस तरह झुका लेते हैं और उसको झेल पाते हैं तो कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है ये लीवर का एक्सटेंसर लीवर आर्म ये यहां से सेंटर हो गया ये लीवर की तरह काम कर रहा है और ये हमसे झुका रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो पटेला के दो मेन फंक्शन है लेग एक्सटेंशन एक्सटेंशन खिंचाव जो है इनहेंस डेट लिवरेजेस ड Quadriceps, enhances, ये क्या कह रहा है ये इनहेंस हो जाता है गया है ना लेग एक्सटेंशन इनहेंसेज लिवरेजेस लीवर की तरह काम करता है डेट द क्वारीसेफ टेंडन जो क्वार मसल्स है कैन एक्सर्ट ऑन द फीमर जो फीमर के ऊपर आती हैं इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मसल्स इससे क्या होती है मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है ठीक है तो कह रहा है एनहेंसेज डेट कैन एक्सर्ट जो टेंडन का लीवर वाला हिस्सा है उसको कहीं ना कहीं एनहेंस कर दे रहा है लीवर की तरह काम करने में उसको हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी घुटने के आगे के जो हमारा बोन होता है ना इसको इसको तो बचा ही रहा है ज्वाइंट फ्रॉम द फिजिकल ट्रोमा है ना इसके ज्यादातर हमारे घुटने का अगर टकरा जाते हैं तो वो पटेला झेल जाता है उससे हमारे ज्वाइंट जो है वो डायरेक्ट जो है ज्वाइंट्स उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है क्लियर है बात बात समझ में आ रही है ओके okay. आगे आते हैं अब ये क्या कह रहा है तो ये डायग्राम है बस पटेला का पटेला का डायग्राम अगर हम गौर से देखेंगे तो ये है ना शेप का बना लो इस टाइप से बेस मीडियल बॉर्डर एपेक्स ये मीडियल आर्टिकुलर फेसेट जहां पे अंदर की तरफ जाकर के चिपकता है और ये लेटरल आर्टिकुलर फेसेट जो अंदर की तरफ जाकर चिपक रहा है ये मीडियल हो गया ये लेटरल हो गया बस ये आकर के इस तरह से घुटने पर रख जाता है और ये आकर उससे चिपक जाएगा क्लियर अब आगे आते हैं नेक्स्ट है टीबिया एंड फिब्यूला टीबिया एंड फिब्यूला गया ऊपर इस तरफ बाहर की तरफ ये सीधा पैर है इस तरह से अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो बाहर की तरफ क्या है टीबिया फिब्यूला uh, इस तरफ अंदर की तरफ क्या है टीबिया है तो हम देख रहे हैं टीबिया काफी स्ट्रॉन्ग है फिब्यूला उसके कंपेरिजन थोड़ी सी पतली है तो ये टीबिया है <coughs> तो ऊपर याद रखेंगे ये कॉन्डाइल हो गया लेटरल साइड वाला ये मीडियल बीच वाला ये टीबिया ट्यूब्रोसिटी हो गई इस शाइन हम लोग शिनबॉन कहते हैं ना इसे आगे जो रहता है हमारा घुटना इसे कई बार टकरा जाता है घुटना नहीं सॉरी घुटने के नीचे जो होता है शिन बोन कहते हैं इसे ये मीडियल मैलस ये लेटरल मैलियोलस और ये फिबुलर नॉच कोई भी चार पॉइंट्स के याद कर लोगे काफी है इसका डायग्राम के लिए नाउ टार्शल्स टार्शल्स ये आ गए हमारे जिससे हमारी जो पैर होता है ना ऐसे घूम सकता है तो टार्शस यहां पे देख सकते हैं कितने हमारे पास सात होते हैं एक ओके 1 2 3 कहां गया ये एक दो तीन चार पाँच छः सात ये जुड़े हुए हैं आई थिंक ये ग्रीन वाला एक हाँ तभी एक दे रखा ये दो तीन ये चार और ये तीनों एक साथ हैं पाँच ठीक है ना एक मिनट एक दो तीन अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो गया इसको मैं ऐसा ही करता हूँ ये एक ठीक है ना ये दो हो गया ये तीन चार पांच छे और ये सात इनके सबके नाम दे रखे हैं यहाँ पर ठीक है इस तरह फुट होता है ये टालस जो सबसे ऊपर ये वाला है पार्ट ये टालस ये पूरा एक साथ है ये ठीक है ना फिर ये नेविकुलर होता है फिर ये दे रखे हैं इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म और क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म के तीन है इंटरमीडिएट लेटरल और मीडियल साइड में इस साइड में और बीच वाला देन नेविकुलर आ गया देन क्यूबॉइड आ गया और कैलकेनियस आ गया जो सबसे पीछे की होती है बोन उसको हम लोग क्या कहते हैं कैलकेनियस एडी जो हमारी निकली हुई होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं कैलकेनियस कहते हैं ये तो याद कर ही लोगे क्लियर है बातें आगे आते हैं नेक्स्ट है मेटाटारसल बोन्स मेटाटार्सल्स ठीक है मेटाटार्सल्स में सबसे ऊपर ये आ गई सॉरी इसके बाद ये वाला पार्ट ये ठीक है ना तो ये हेड होता है नेक होता है बॉडी होता है बेस होता है उसके ऊपर क्या है फेलेंजेस आ जाएंगी ग्रेटर टो अंगूठे का उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंगूठा बोलते हैं तो अब यहाँ पर कुछ खास है नहीं डायग्राम बस देखने हैं समझने हैं और ठीक है आगे आते हैं तो अब ये हमारे पास डिस्टल इंटरफियल जॉइंट्स अब यहां पर क्या आ जाएंगे जॉइंट्स आ जाएंगे ये अच्छा जॉइंट्स की बात हो रही है हमें नहीं करना इसका अब यहां पे वही वाली कहानी आ जाएगी प्रोक्सिमल फैलेंजेस मिडल फैलेंजेस में क्या है डिजिटल फैलेंजेस इसमें तो मिडल नहीं है मिडल इन चा, चारों में रहेगा ठीक है और फिर आखिर में क्या Distal आ जाएगा चार में है ना अंगूठे में तो दो ही पार्ट होते हैं तो उसमें केवल क्या है प्रोक्सिमल और डिजिटल आ जाएगा मिडल नहीं पाएगा अंगूठे में बाकी में क्या पाएगा मिडल भी आ जाएगा मिडल फैलेंजेस क्लियर तो वही सारी कहानी है कल को हील बोन भी कहते हैं तो फैलेंजेस की कहानी सेम है थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर करोगे तो ये भी तुमको क्या है इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर है बातें ओके तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर था क्योंकि सारे की सारी बोन्स हमने यहां पे कवर कर ली है उनके स्ट्रक्चर को भी देख लिया है फंक्शन सिंपल है बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है दो चार डायग्राम जो है खास खास उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उसके अलावा केवल रिवीजन करना पड़ेगा और चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी क्लियर है और अपना माइंड नर्चर ऐप तो है ही कभी जरूरत पड़ती है इसका यूज करें ठीक है कोई और चीज डाउट करती है लगता है कि डाउट है तो मुझे फोन करें लेक्चर नोट्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो ऐप का यूज करें क्लियर है और क्या करना है यस रिविजन करना है पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो ऑल द बेस्ट